Hello everyone, good evening. Making money into stock market is as easy as making a cup of coffee, but your trade should be process oriented, not profit oriented. And before starting the session, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सीखेंगे तो हम जरूर, चेहरे पे बदमाशों वाली मुस्कान होनी चाहिए, बिकॉज फाइनली हमारा गोल क्या है पैसा कमाने का, कि चेहरे पे हंसी होनी चाहिए. सो इट्स माई गारंटी कि मैं इस 2 दिन के सेशन में अपने 14 सालों का रिसर्च आपको देने की कोशिश करूंगा, और मैं वही दूंगा जो कि मैंने पाया है. आई स्टार्टेड माई ट्रेडिंग जर्नी इन 2008, दिस इज 2021, जब मैंने अमेरिका से शुरुआत किया था. कैसे किया, आई विल डिकोड ऑल द सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग. और आप बताएं, सोचेंगे कि रवि दिस इज इजी, मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट इज एज इजी एज मेकिंग ए कप ऑफ कॉफी, बट लूजिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट इज एज इजी एज वेल. सो आई वुड लाइक टू नो वन थिंग, आई वुड लाइक टू टेक अ वोटिंग. मैं इस सेशन को 100% इंग्लिश में लेके चलूं, हिंदी में लेके चलूं, या इंग्लिश में लेके चलूं, प्लीज टाइप. आप लोग टाइप कीजिए कि आप इस सेशन को किस लैंग्वेज में सुनना पसंद करेंगे, हिंदी, इंग्लिश और इन बोथ लैंग्वेज. इज माय वॉइस इज ओके? इज माय वॉइस इज 100% ओके? ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ओके, चार्ट विल बी इन इंग्लिश ओनली. कुछ शब्दों का प्रयोग मैं हिंदी में करूंगा. आई विल यूज इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश. सो बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू नो वन थिंग, दैट फ्रॉम विच सिटी यू आर, विच कंट्री यू आर, किस कंट्री से है, किस सिटी से है. आप अपना सिटी टाइप कीजिए. सुरेन, यू वांट इन इंग्लिश? डोंट वरी अबाउट दैट. आई विल नॉट डिसअपॉइंट एनी वन, डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट एनी वन. भुवनेश्वर, मुंबई, गुजरात, मुंबई, भुवनेश्वर, मुंबई, इंडिया, वारंगल, ओके, मुंबई, सूरत, नासिक, मुंबई, मैसूर, आंध्र, ओके, वंडरफुल, मुजफ्फरपुर, बिहार, गांधीधाम, हैदराबाद, लखनऊ, ओके. सो मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट इज एज इजी एज मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी. बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू गो फॉर वन थिंग, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू कैन टर्न ऑन योर कैमरा प्लीज, इफ यू कैन. सेकेंड, टेक ए पेन एंड पेपर एंड whatever question you have in your mind, write it down, because if you will write down your question, main session ke last mein aapke sare question ka answer dunga. Kal chahe 2 ghante ke session 3 ghanta lagana pare, 4 ghanta lagana pare, main aapke sare question ka answer dunga. It's my promise. Main, okay, second, jo bhi aapki windows mein chal rahe hain sabko thodi der ke liye close kijiye, pani ka bottle leke baithiye normally, because you will get energized. And language ka main already bol chuka hun that I am going to communicate in Hindi and English. End of the session I am going to have question and answer. Whatever question you have in your mind, I will clear your all doubt, everything. So I am going to clear all question. Before proceeding, I would like to announce, our team has communicated with you that I am going to give you a bonus. This is the link of bonus. And final, May please share the link. Krinal, sure. We can go ahead. I'll be dropping the link. Okay. So kindly share the link of bonuses, and I will share password during the session. मैं आपको password बताऊंगा session के दौरान. So first of all, thanks for being an action taker, and I would like to welcome everyone in this 2-day stock market mastery workshop. What a stock market is all about. हम basic topic की बात नहीं करेंगे. What is a stock? What is dividend? हम सिर्फ टेक्निकल्स पे बातें करेंगे. अब मैं प्रूफ करूंगा कि मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट इज एज इजी एज मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी. बट बिफोर प्रोसीडिंग यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हु रवि आर कुमार इज. रवि आर कुमार कौन है? मैं क्यों अपना 2 दिन का समय दूं रवि आर कुमार को सुनने में? मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे, आई थिंक सतीश इज हियर, ही इज वन ऑफ माई स्टूडेंट, वीरेंद्र कोकरी, सिद्धार्थ साहा, मैं सबको देख पा रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे मेरे स्टूडेंट हैं और आप लोग यहाँ पे already joined किए. Thank you very much. It's your personal wish, it's your personal choice. You all are most welcome. Now, excuse me. Let me share on PPT with you. मैं सिर्फ 2 मिनट का टाइम लूंगा आपको अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए. Why you should listen me? क्यों सुनना चाहिए आपको हमें अगले 1 या 2 घंटे के लिए? इसके पीछे क्या पर्पस है? So, I'm Ravi R. Kumar. I'm known as a stock market trading coach, and I'm into this industry since 2008. I completed my throughout education from
University of Southern California, BS, MS, PhD, everything from University of Southern California. And I'm an owner of Know the Pulse. Know the Pulse is a trading firm back in United States and back in Dubai. And you can see I'm owner of this company. I'm not a broker. I'm not an advisor. In the field of a stock trading, I have got near about 193 awards and rewards. I have been awarded by India Glory Book of Records, and you can see most successful a stock market trading coach. I have got this award. I have got Rashtratan Award. I have got couple of awards, Global Asian of the Year Award. I have been awarded by FICCI. I have been awarded by Kotler. I have been awarded by Optum, iFactor. I have been awarded by Supreme Group, Switzerland. I have been awarded by Best Stock Market Trading Coach 2021. So these couple of award and reward I have got in my life. मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपना 2 घंटे का समय मुझे क्यों देंगे। I will take you 30 more seconds क्योंकि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। Until unless you don't know me, आप कैसे समझ पाएंगे the person who is going to guide you, वो हमें क्या डिलीवर करेंगे? So I conduct physical workshop, online workshop, offline workshop around the globe. This workshop you can see into the picture, people are having masks. So definitely lockdown में ये workshop हमने conduct किया था New Delhi में. Even in lockdown. सोशल डिस्टेंसिंग एक सीट छोड़ के एक सीट पे बैठना था अगेन ऑडिटोरियम वाज फुल दिस इज माय लास्ट इवेंट आई कंडक्टेड ऑन 21st ऑफ मार्च इन आईटीसी न्यू दिल्ली ये हमारा सबसे लास्ट का इवेंट था दिस इज माय सेकंड लास्ट इवेंट एंड यू कैन फाइंड मी ऑन कपल ऑफ न्यूज चैनल्स यू कैन फाइंड मी ऑन इंडिया टीवी यू कैन फाइंड मी ऑन बीबीसी जी यू कैन फाइंड मी ऑन न्यूज 24 यू कैन फाइंड मी ऑन आज तक इसकी सारे चैनलों पे आप मुझे ट्रैक कर सकते हैं यू कैन फाइंड मी एंड That's all about me. Because मैं अपनी 14 सालों की जर्नी को अगर 14 मिनट भी आपका समय लेता हूँ तो that will be wastage of time. Passport will be shared shortly. I will share it very soon. मैं इसे 2 मिनट के अंदर इस पासपोर्ट को शेयर करूंगा 2 मिनट के अंदर इस पासपोर्ट को आपके सामने शेयर करूंगा So let me spotlight my window. I think there is some technical error. Let me spotlight my window with you. So if my window is visible to everyone, if you just type yes. If my window is visible to everyone, if you just type yes into comment box. Okay, I will use all numbers in English only. I will use chart in English only. Kuch shabd, little bit, I will use in Hindi. So now, I'm going to proceed. And trust me, you are going to enjoy. So now I'm going to talk about why a stock market and what a stock market is all about. Why I use this sentence, making money into stock market is as easy as making a cup of coffee. Why I use this sentence every time, making money into stock market is as easy as making a cup of coffee. But your trade should be process oriented, not profit oriented. What is the meaning of process oriented trading and how we are going to become a process oriented trader? So now I'm going to share a chart with you. What exactly we are going to learn today and what exactly we are going to learn tomorrow. So now, today we are going to learn how to plan your trade, how to plan your trade and trade your plan. Before entering into the market, before starting your journey, before entering into the airport, do you know where you have to go? Plan your trade and trade your plan. This is the topic. First, we are going to talk about plan your trade and trade your plan. This looks very simple. First, we will talk about theoretical part. This theoretical part for today, it is going to take 20 to 30 minutes. 20 to 30 minutes. After that, we will talk about practical on websites. I don't promote any broker, so I will show this practical on tradingview.com. Let me change the pen. After that, we will take question and answer. So this session will be 20 to 30 minutes. After that, we will take a break. After that, we will talk about practicals. After that, we will take a 5 minutes break. And then we will talk about question and answer, whatever question you have in your mind. Okay. Ek chota sa request karna chahunga. I don't know about your previous experience. I don't know about your previous. मैं अभी 6:30 में एक सेशन खत्म किया हूँ और वो सेशन टाइम्स ग्रुप के लिए था मेरा सुबह में एक सेशन खत्म हुआ सुबह 5:30 that session was for New York Times. अभी कोई इस ग्रुप में है जो कि हमारे उस सेशन में थे टाइम्स ग्रुप वाले सेशन में थे that was a fully paid session in Times Group. Anyone into this group who was there, type me into chat box. अगर कोई उसमें थे Anyone? I लगता है दो लोग तो होने चाहिए. So now we are going to learn this topic: how to plan your trade and trade your plan.
जिन लोगों को डिफिकल्ट लगता है ना कि ट्रेड क्या है, प्लानिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, भूल जाइए, 2 दिन के लिए आप मुझे समर्पित कीजिए। मैं रवि आर कुमारी कमिटमेंट करता हूँ डेटा, आई विल डिलीवर मोर देन योर एक्सपेक्टेशन, मोर देन योर एक्सपेक्टेशन मैं डिलीवरी करूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। नाउ नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हाउ वी आर गोइंग टू प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू थिंक स्टॉक मार्केट के जब बारे में जब बात करते हैं, सबसे पहले लोग बात करते हैं रवि व्हाट अ स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट। सो इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ स्टॉक मार्केट, सो स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट गैम्बलिंग, अ स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट साइंस, और अ स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट आर्ट। व्हाट डू यू थिंक, अ स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट गैम्बलिंग, अ स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट साइंस, और अ स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट आर्ट। अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट गैम्बलिंग, आप अपने दिमाग से इन बातों को निकालिए। क्यों निकालिए, स्टॉक मार्केट इज बैरोमीटर ऑफ योर इकोनॉमी। कैसे बैरोमीटर है, वी विल टॉक अबाउट दिस पॉइंट। सर दिस इज ऑल अबाउट साइंस, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट साइंस। बच्चा कभी बाई, बच्चा साइंस से पैदा होता है, भगवान नहीं देते हमारे पेट में, बच्चा साइंस से पैदा होता है। बिजनेस साइंस, बिजनेस इज ऑल अबाउट साइंस। हम स्टॉक मार्केट पूरे साइंस पे डिपेंडेंट है। इफ स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट गैम्बलिंग, हैव यू एवर हर्ड मॉर्गन स्टैनले बिकम बैंकरप्ट, हैव यू एवर हर्ड बैरन बफे बिकम बैंकरप्ट। मैं बात करूंगा कंप्लीट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की। आई विल टॉक ओनली अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, आई विल टॉक ओनली अबाउट रूल बेस्ड ट्रेडिंग, आई विल नॉट टॉक अबाउट न्यूज, आई विल नॉट टॉक अबाउट गैम्बलिंग स्ट्रेटजी। मैं सिर्फ न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग की बात करूंगा। So, मैं सिर्फ और सिर्फ साइंस की बातें करूंगा। सो व्हाट अ स्टॉक ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट, इफ यू आर थिंकिंग अ स्टॉक मार्केट इज फॉर गैम्बलर्स, देन यू आर नॉट एट द राइट प्लेस। बिकॉज आउट ऑफ 500 बिलियनियर्स, 391 हैज बिकम बिलियनियर फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट इटसेल्फ। आप बोलेंगे रवि सच में, बैरन बफे, मिस्टर मस्क, राकेश झुंझुनवाला, मिस्टर दमानी, सारे व्यापारी तो पैसा यहाँ पे डालते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर अपने पूरे कैपिटल का 93% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। यूरो एशिया, यूरो पैसिफिक अपने पूरे कैपिटल का 97% दे इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट ओनली, दे ट्रेड इनटू स्टॉक मार्केट ओनली। इफ दिस मार्केट इज फॉर गैम्बलर्स, कितने प्रोफेशनल बैंकरप्ट होते हैं। व्हाई 90% ट्रेडर लूज देयर एंटायर कैपिटल विद इन 90 डेज ऑफ देयर ट्रेडिंग जर्नी, बिकॉज दे डोंट नो व्हेन टू एंटर एंड वेयर टू एंटर, व्हेन टू एग्जिट एंड वेयर टू एग्जिट। क्या मार्केट में एंटर करने से पहले आपको पता है, जब भी आप अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं आपको पता है, दिस इज रूल्स वी विल टॉक अबाउट, दिस रूल इज नॉन एज सेट्स। व्हाट सेट्स इज ऑल अबाउट, सेट्स का मतलब होता है स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट एंड साइजिंग। व्हाट अ स्टॉक ट्रेडिंग इज, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट एंड साइजिंग। घर से निकलने से पहले अगर ऑफिस का एड्रेस पहले पता नहीं है, मीन्स आप गैम्बलर हैं। घर से निकलने से पहले पता होना चाहिए कि अगर आज कोई काम नहीं मिला कितना मुझे नुकसान होगा। घर से निकलने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हाउ मच क्वांटिटी यू आर गोइंग टू बाय, हाउ मच क्वांटिटी यू आर गोइंग टू सेल। सो अ स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट एंड साइजिंग, अंटिल अनलेस दिस 4 पॉइंट इज नॉट क्लियर, एंट्री एंड एग्जिट इज नॉट क्लियर, यू विल गेट ट्रैप्ड। लोग बदनाम करते हैं बाजार को, बाजार को बदनाम करते हैं, हमें बदनाम नहीं कर सकते। आई हैव मेड मैसिव वेल्थ फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट इटसेल्फ, नो द पल्स हैज नियर अबाउट couple hundred crores in their portfolio right now in Know the Pulse. I am not a broker, I am not an advisor, I am a full-time trader and a trading coach. So when we talk about science, what is Ravi? Everyone tells us, plan your trade, trade your plan. But how to plan your trade? We will talk about how to plan your trade. And when we will talk about, okay, many people are saying, how will I get this? You will have to download QR code, a scanner in your mobile. iPhone is inbuilt. क्यू आर कोड स्कैनर डालेंगे तो यहाँ पे क्यू आर कोड आएगा। इस क्यू आर कोड को आप स्कैन करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट आपके मोबाइल में चला जाएगा। जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ ये बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम पे चला जाएगा, बाय डिफॉल्ट। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू प्लान अ ट्रेड, हाउ टू प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, हाउ वी कैन गो फॉर दिस स्टेप। सो बिफोर प्रोसीडिंग यू विल हैव टू टॉक अबाउट टू थिंग्स, फर्स्ट थिंग materialized versus dematerialized, and second thing we are going to talk about after materialized versus dematerialized. This topic, five mistakes of a trader, we will talk about later on. We are not going to talk about right now.
five mistakes of a trader. We will talk about LLA. What LLA stands for? LLA का मतलब क्या है? What is the meaning of LLA? Logic क्या है इसके पीछे? Lessons क्या है? और किस application का use करेंगे? This is all about LLA. What is the logic behind trading? व्यापार क्यों करें? What is the lesson and what kind of application we are going to use? Logic क्या है? किस lesson को पढ़ना पड़ेगा? और application क्या use करेंगे? Okay. Do you know how to आप क्या शेर को खाना खिला सकते हैं? Can you feed lion? No, definitely you can't feed lion. लेकिन चिड़ियाघर में कोई ना कोई तो है जो शेर को खाना खिलाता है. He is well educated. He is well trained to deal with lion. He is well educated, well trained. So do you know how to? Okay, बंदर, you know, have you seen मदारी वाला? बंदर को नचाते हैं. तो बंदर को नचाना नहीं आएगा, तो बंदर आपको नोचेगा. अभिमन्यु को पता था when to enter into the market. Sir, यो एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ. क्वेश्चन रोक के रखिए, सिर्फ क्वेश्चन को रोक के रखिए. अगर क्वेश्चन लेंगे तो मैं डिस्टर्बेंस नहीं होऊंगा, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे क्योंकि आप लोग चैट बॉक्स को कर रहे हैं. तो मैं क्वेश्चन सारा लास्ट में लूंगा, सारा क्वेश्चन रखिए. मैं गारंटी देता हूँ कि मैं सारे क्वेश्चन को लूंगा. अभी मैं तुरंत टाइम से आया हूं, तो आप उसका टेंशन बिल्कुल ना लें. सो नाउ लॉजिक लेसन एंड एप्लीकेशन, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिक लेसन एंड एप्लीकेशन, नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू. सो व्हाट यू विल हैव टू डू, नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू. क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू आस्क अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ, हु यू आर, आप कौन है. आप बोलेंगे रवि व्हाट सिली क्वेश्चन इज दिस, पागल बना रहे हो, मैं कौन हूं? यस, डेफिनेटली आई विल आस्क दिस क्वेश्चन. यू आर अ इन्वेस्टर और यू आर अ ट्रेडर? यू आर अ इन्वेस्टर और यू आर अ ट्रेडर? वी गो फॉर इन्वेस्टमेंट व्हेन वी डोंट नो हाउ टू डील विथ मनी, एंड वी गो फॉर ट्रेडिंग व्हेन वी नो हाउ टू मल्टीप्लाई द मनी. आप बोलेंगे इसका एग्जाम्पल्स बताओ. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जाम्पल्स, क्योंकि हमारा सारा फोकस ट्रेडिंग पे होगा. इन्वेस्टमेंट का कुछ टॉपिक मैं कल बताऊंगा, दैट इज अ मास्टरपीस. विश्वास कीजिए उस टॉपिक के बाद, दिस इज हार्डेंड टू लूज इवन अ सिंगल रुपीज इनटू स्टॉक मार्केट. मैं कल तक आपके दिमाग से स्टॉक मार्केट के भूत को 100% गायब कर दूंगा. ये क्योंकि जो डर का भूत है ना, इसे पहले गायब करना है. वी विल टीच यू हाउ टू मेक मनी टूडे एंड टुमोरो, इसे फुर करना है. नाउ so we go for investment when we don't know how to deal with capital. Banks hame loan deti hai, and what they do, hamare hi premises ko rent pe leti hai. Unke paas bahut paisa hai, wo paise ko trade mein lagati hai, wo paise ko circulation mein lagati hai. And as a middle class family we always think buy right sit tight se paisa banta. Yes bank wapas aaya kya? Unitech wapas aaya kya? Nahi aaya. Karan Arjun wapas nahi aate hain. So we will have to think, are we trader or are we investor? If it is not 100% clear, we are not going to make huge money. Aur huge ki baat karte hain, in my first 3 years of trading journey, humne 1 lakh rupees se 7.38 crore banaya, and this has been featured in Forbes as well. Main apni baat nahi bata raha hu, Forbes bahut authentic platform hai. Forbes mein featured hua tha 2014 mein. Maine kya kaha? Please mute yourself, Prinal. Please mute. Team, please mute. Thank you. So now, then we will have to understand, are we a demat account operator or are we a businessman? So हमें लगता है this is all about money. So in money flow with materialized versus dematerialized. What is the meaning of materialized versus dematerialized? What is the meaning of materialized versus dematerialized? Iska matlab kya hai? We think we do have a demat account and we are the most intelligent person on this universe. Because what demat account is all about? Main aage bataunga, pulse train bataunga. But ye to samajhiye, what demat account is all about? Demat account ka matlab hota hai turning a materialized business into dematerialized form. आप गोल्ड यहां खरीदते हैं, हम गोल्ड वहां खरीदते हैं. आप प्रोडक्ट यहां खरीदते हैं, वहां प्रोडक्ट. सो फर्स्ट टॉपिक टुडे आई एम गोइंग टू कवर, थोड़ा सा मैं उल्टा चलूंगा.
और आज मैं पल्स एनालिसिस की जो बात करता हूँ, पल्स एनालिसिस सबसे लास्ट में कवर करूंगा, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है पल्स एनालिसिस। विद इन 3 seconds हाउ यू कैन एंटर इन टू एनी मार्केट विद इन 3 seconds। सो वी थिंक वी डू हैव अ डीमैट अकाउंट एंड नाउ वी आर अ बिजनेसमैन। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 93% बिजनेसमैन क्लोज शट डाउन देयर बिजनेस विद इन 3 years। यहां पर तो लोग बैंकक्रप्ट होते हैं, तो इसे आप ब्लेम करने को तैयार क्यों नहीं है? That's why 90% trader lose their entire capital within 90 days of their trading journey. Now I am going to talk about how to plan a trade. How to plan a trade? किसी भी ट्रेड को कैसे प्लान किया जाए? So how to plan a trade? So plan a trade and trade your plan. So are you excited? Or are you super excited? मेरा चेहरा मत देखिए, होता है कभी-कभी किन्हीं-किन्हीं के सिस्टम में प्रॉब्लम आएगा। Forget about my face. बोर्ड दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है। So how to plan your trade? दुनिया बताती है plan your trade, trade your plan, but how exactly you are going to plan your trade? कैसे आप trade plan करेंगे? Plan trade करने का तरीका क्या है? और एक चीज मैं बता रहा हूँ, अगर दुनिया में कहीं से भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स हुई है ना, तो फ्रस्ट्रेशन को अपने तक रखिएगा ना, मैं बात करूंगा लास्ट में। अभी मेरा एक सेशन चल रहा था नवभारत टाइम्स में, तो एक आदमी थे संतोष कैल, नाम बता रहा हूँ पब्लिकली, तो बीच में कुछ ना कुछ गाली बकने लगे, तो मैं ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा चलने दीजिए, फिर गाली बकने लगे, फिर मैं ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा संतोष योर नंबर नेम एंड नंबर इज रजिस्टर्ड विद अस, आप मुझे गाली क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि दुनिया ऐसी ही है। मैंने कहा 20 मिनट्स रुकेंगे, क्योंकि अगर मुझे टाइम्स ने बुलाया तो टाइम्स आपको कुछ बेचने के लिए नहीं बुलाया है, टाइम्स बुलाया है मुझे क्योंकि मैं टाइम्स का ट्रेडर हूँ। उन्होंने कहा कि सर प्रॉब्लम यह है कि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मैंने कहा फ्रस्ट्रेशन आप यहाँ पे निकालेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, जब तक आपके अंदर उस शिष्य वाली भावना नहीं आएगी तब तक आपको ज्ञान नहीं मिल सकता है। तो टू बिकम टू ग्रैब समथिंग यू विल हैव टू एक्ट लाइक ए किड, बच्चा बनना पड़ेगा, बच्चा गाली नहीं बक, ठीक है? आई कैन अंडरस्टैंड मार्केट का एक ट्रेंड है, बट सारे लोगों का ट्रेंड एक नहीं होता। मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि आपका जो भी फ्रस्ट्रेशन है उस फ्रस्ट्रेशन पॉइंट पर मैं काम करने को तैयार हूँ। सो हाउ टू प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, so how to plan a trade? So ये आज हम बात करेंगे goal, purpose, tools, pulse, और इसके साथ साथ एक टॉपिक की हम बात करेंगे, ये आज का टॉपिक है, कल का टॉपिक नहीं, इसके साथ साथ एक टॉपिक की बात करेंगे ब्रॉडर मार्केट व्यू, जो कि आप लोग को एक एडिशन बोनस समझ देंगे, दैट इज नोन अबाउट ब्रॉडर मार्केट व्यू। ब्रॉडर मार्केट व्यू से हम शुरुआत करते हैं। What is the meaning of broader market view? I always use one word, a stock market is barometer of any economy. So main pulse bhi bataunga, trend bhi bataunga, trend analysis hamara kal hai, watch list hum kal complete karenge, FIIDI hum aaj complete karenge. So this is couple of topic we are going to complete. Now broader market view, ब्रॉडर मार्केट व्यू की जब हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन आवर माइंड, व्हाई वी शुड ट्रेड, क्यों ट्रेड करें और क्यों ट्रेड करना चाहिए? बिकॉज फाइनली इफ यू हैव मनी, इफ यू हैव टू ग्रो योर मनी, देन यू आर टेलिंग रवि आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, आई एम नॉट अ ट्रेडर, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड, आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट। वंडरफुल, आप बहुत सही जगह पे हैं। इफ यू आर टेलिंग आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, माय डियर फ्रेंड्स आई एम सॉरी टू से, आप एक व्यापारी हैं, यू आर सेलिंग योर 8 आवर्स, I am selling my 8 hours. You are an entrepreneur. आप entrepreneur तो हैं, but आप एक trader नहीं हैं. You are acting like a demat account operator. What is the meaning that I am acting like a demat account operator? Because you don't know the art of delegation. आपका focus है market ऊपर चला जाए, market नीचे चला जाए. You are not focused on the right thing. कैसे? इसकी बात हम बाद में करेंगे. So first we are going to talk about goal. Life is goal without having a proper goal. A letter will not reach anywhere without having a proper address. कोई भी चिट्ठी पहुंच नहीं सकता है. So first, before starting any business, before starting any travel, आप दिल्ली से दुबई तक जाते हैं तो आप पूरा प्लान करते हैं कैसे जाना है, कौन सी फ्लाइट, कौन सा टिकट, कौन सा इमिग्रेशन, कौन सा, यू प्लान फॉर एवरीथिंग. Have you planned कि जब आप मार्केट में जा रहे हैं, योर टाइम इज इन्वॉल्व, योर कैपिटल इज इन्वॉल्व, यू आर इन्वॉल्व,
So how much money you have to make? How much profit you have to make? How much loss you have to make? Is it 100% calculated? No. So we are going to talk. We are going to talk about one thing, that in this market, what market is all about? What technical analysis? Analysis ka matlab hota hai history repeat itself. History repeat itself. History repeat itself. इतिहास अपने आप को दोहराता है, इसी को हम एनालिसिस बोलते हैं। कि पिछली बार हम 4 रोटी खाए थे, आज हम 40 रोटी नहीं खाएंगे, हम बहुत ज्यादा भूखे हैं। तो 4 से 6 हो सकता है, 4 से 3 हो सकता है, वी आर नॉट गोइंग टू हैव 40 ब्रेड्स। तो इसी एनालिसिस के बिहाव पे आपकी श्रीमती जी आपके लिए खाना बनाती है। सो फंडामेंटल एनालिसिस विल हेल्प यू आउट टू जज द मार्केट ओनली 5%। कंपनी का फंडा स्ट्रॉन्ग है, यस, कुछ काम नहीं करता, विश्वास कीजिए, 14 साल के एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, प्रूफ करूंगा। टेक्निकल एनालिसिस विल हेल्प यू आउट ओनली मैक्सिमम 10% एंड रेस्ट 85% इज मेंटल एनालिसिस, बट दिस 5 and 10% इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस 5-10% से आपका छुटकारा दिलाएंगे और आप बोलेंगे रवि मजा आ गया। अगर इस सेशन के दौरान मजा नहीं आया तो आप बोलिए, आप बिल्कुल मजा आने वाला हो, वो बदमाशों वाली मुस्कान चेहरे पे होनी चाहिए। नाउ So 90% of traders lose their entire capital within 90 days of their trading journey because they think they are a demat account operator and they blow up their account. They buy options, they buy futures, they buy calls, they buy put, they buy dues. They do a lot of mistakes, and finally, what is the result? That they say, market is not my cup of tea. Aap real businessmen to bankrupt hote hain. Okay, I will have to change my mic. Can I take 1 minute break? Only 1 minute break. I will have to change my mic because I am facing some critical issue. सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचने से पहले पता है, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचने से पहले पता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर ही इज, किस तरह का गेम आज खेलना है, 2020 खेलना है, वनडे खेलना है या टेस्ट मैच खेलना है। डेफिनेटली टेस्ट मैच खेलने की स्ट्रेटजी अलग होगी, 2020 खेलने की स्ट्रेटजी अलग होगी और वनडे खेलने की स्ट्रेटजी अलग होगी। तीनों गेम खेलने का स्ट्रेटजी अलग है, आप सेम स्ट्रेटजी सारे जगहों पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? यू कांट। इफ यू आर थिंकिंग दैट यू विल अप्लाई द सेम स्ट्रेटजी एवरीवेयर, यू कांट मेक ह्यूज मनी, यू विल लूज योर एंटायर कैपिटल। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट काइंड ऑफ ट्रेडर। काइंड ऑफ ट्रेडर्स का क्या मतलब है? मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल टेक्निकल एंड मेंटल एनालिसिस, इसी के बाद प्रैक्टिकल काम करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडर। फर्स्ट वन इज नोन एज इंट्राडे, सेकेंड वन इज नोन एज स्विंग, एंड थर्ड वन इज नोन एज पोजिशनल ट्रेडर। So as I have told you a couple of times that I am not a broker, I am not an advisor. हम कोई broker नहीं है, हम कोई advisor नहीं है। So I am going to share a screen with you. I am going to share a screen with you. So this, okay, this is a website and this website name is tradingview.com. This is a website and this is known as tradingview.com. And when I'm talking about tradingview.com, click on chart. हमें सिर्फ free, we don't have to pay anything for this website, 100% free of cost, and move on chart. When will we move on chart? This is very important. For example, you are on SBI, so you will use monthly chart, you will use weekly chart, you will use daily chart. What kind of chart you will use? Do you know what kind of trader you are? Until unless we don't know how we can go with technical analysis, how we can apply technical analysis, so it should be 100% clear that what kind of trader I am, हम किस तरह के व्यापारी हैं, और जिस तरह के व्यापारी हैं उसी तरह का चार्ट का प्रयोग हम करेंगे। तो आज मैं आपको इसका पार्सल नॉलेज देता हूँ, कल मैं आपको इसका फुल नॉलेज देता हूँ। Is my voice is 100% audible, Mr. Shashikant Gupta? सर आपका जो आप मोबाइल से लॉग इन है, शशिकांत गुप्ता जी, आर यू लॉग इन फ्रॉम योर मोबाइल? आई थिंक सो। जो आपका बटन है ना साउंड वाला, वहां पे क्लिक कीजिए और वहां से आप देख कर पाएंगे। एम आई ऑडिबल? थैंक यू। सो नाउ पोजिशनल ट्रेडर। सो इफ वी आर अ पोजिशनल ट्रेडर इज नोन एज मंथली ट्रेडर। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस स्ट्रेटजी ऑन मंथली चार्ट। कल एक और चार्ट है, कल मैं इसमें आगे बताऊंगा, आज मुझे उतना ही बताऊंगा जितने की जरूरत है। इफ यू आर अ
swing trader. Swing is known as a weekly trader. So we are going to apply this strategy on weekly chart. And if you are an intraday trader, so there's three types of intraday traders. तीन तरह के लोग होते हैं. कैसे? First one is known as daily. If you are a daily trader, so you will have to apply this strategy on daily chart. And if you are an hourly trader, you 1 hour is equal to 75 minutes in Indian market. In European market, 1 hour is equal to 85 minutes. In commodity market, 1 hour is equal to 240 minutes. अब बोलोगे रवि, you are trying to change the rules of nature. नहीं, मैं प्रूफ करूंगा. Why 1 hour is equal to 75 minutes? And if you are aggressive trader, we will apply the strategy of 15 minutes. Now the question is, Ravi, why you have used 1 hour is equal to 75 minutes? सब कुछ ठीक है, सब कुछ मैं बात मानता हूँ. Why you have used 1 hour is equal to 75 minutes? What is the proof? Can you prove it? Definitely I can prove it. Because मैं हमेशा साइंस की बात करता हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ और साइंस की बात करता हूँ. This is the chart. For example, this is the chart of a State Bank of India Limited. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है. मैं कैंडल स्टिक चार्ट यूज करता हूँ. क्यों यूज करता हूँ? अभी हम आगे बताएंगे व्हाई डू वी यूज कैंडल स्टिक चार्ट. सो इन दिस चार्ट, दिस इज द चार्ट ऑफ अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिस इज द चार्ट ऑफ अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आवरली, यू कैन चेंज योर टाइम फ्रेम फ्रॉम हियर, यू आर 1 hour. सो मार्केट ओपन, दिस इज द फर्स्ट कैंडल. मार्केट ओपन एट 9:15. 9:15 टू 10:15 1 hour. 10:15 to 11:15 2 hour. 11:15 to 12:15 third hour. 12:15 to 13:15. 13:15 to 14:15. 14:15 to 15:15. This 6 candle value is 60 minutes and this 1 candle value is only 15 minutes. Means agar hum ise candlestick chart pe agar ise focused kare, so it will look something like that. This is the way. Now I'm going to show this to you on chart. क्योंकि अब 5 मिनट बाद में प्रैक्टिकल शुरू करूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट शुड बी 100% क्लियर. इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन डे इज इक्वल टू 375 मिनट. सो 375 मिनट डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू 6 आवर एंड 15 मिनट. सो व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 6 आवर एंड 15 मिनट, तो इन कैंडल स्टिक फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड वन कैंडल इज लाइक दैट. तो इस कैंडल का मतलब क्या है? Why this candle is here? ये कैंडल यहाँ पे क्यों है? 6 कैंडल बराबर है, एक कैंडल छोटा क्यों? So if I am going to talk about 375 divided by 75 is equal to 5 hour. So 5 candle. तो हमारा बाजार 375 मिनट का बाजार है. I can hear voice on YouTube but not in seminar. Can please somebody guide me what to do? Am I सर, आपको अपने जूम पे कोने पे एक बटन होगा. एनीवन फ्रॉम टीम, मे प्लीज हेल्प मिस्टर सत्यकांत गुप्ता, प्लीज प्लीज. श्योर श्योर, यू कैन गो अहेड. थैंक यू थैंक यू. तो चेक कर लीजिए. थैंक यू. सो वन डे इज इक्वल टू 5 आवर, वन वीक इक्वल टू 5 डे एंड वन मंथ इक्वल टू ऑलमोस्ट 4.5 और 5 वीक. इसलिए हम लोग 1 आवर इज इक्वल टू 75 मिनट का कैंडल यूज करते हैं. लोग करते हैं रवि, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक समझ में आ गया. अब आप एक काम कीजिए, इन सब का नोट्स मिल जाएगा, इन सब मतलब रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको. इन दिस ट्रेड वी विल हैव टू गो फॉर वन थिंग. जब हम इस ट्रेड की बात करते हैं तो आपको पता है कि आप एक्शन कैसे लेंगे, किस टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे. सो दिस इज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, बिकॉज इसके आगे का भी एक पार्ट है, वो हम कल कवर करेंगे. आगे का पार्ट को हम आज कवर नहीं करेंगे, आगे के पार्ट को हम कल कवर करेंगे, क्योंकि आज पहले मैं इतने पे प्रैक्टिकल आपको दे दूं. नाउ पर्पस इज क्लियर. लाइफ इज गोल विदाउट हैविंग अ प्रॉपर गोल एंड आवर पर्पस इज क्लियर दैट व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर आई एम. इफ दिस टू पॉइंट इज क्लियर, देन नाउ योर क्वेश्चन इज रवि, इस पूरे जर्नी के लिए किस किस टूल्स का हम प्रयोग करेंगे. सो वी आर गोइंग टू यूज ओनली 3 टूल्स इन आवर आई वांट टू यूज 4 टूल्स ओनली 3 टूल्स इन आवर एंटायर लाइफ. फर्स्ट टूल इज नोन एज EMA 20 and 50. EMA 20 50 बी यूज फॉर पल्स एंड ट्रेंड ओनली, नॉट फॉर, बिकॉज दिस इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, पल्स एंड ट्रेंड ओनली. ATR का प्रयोग हम करते हैं बिकॉज हमें बताया गया वाइन होलसेल, तो होलसेल और रिटेल प्राइस निकालने के लिए करते हैं.
एंड अनफिल्ड ऑर्डर का प्रयोग हम करते हैं एंट्री एंड एग्जिट के लिए. सो दिस थ्री टूल्स आई डू यूज फॉर आवर इंटायर जर्नी. ओके, दिस थ्री टूल्स वी डू यूज फॉर आवर इंटायर जर्नी. टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. हैव यू टेकन? टाइप यस, देन आई विल मूव फॉरवर्ड. प्लीज टाइप यस. आप लोग यस नो थोड़ा फास्ट टाइप कीजिए. प्लीज टाइप यस और नो इन टू चैट बॉक्स. नेक्स्ट टॉपिक इज सुपर अमेजिंग एंड ट्रस्ट मी यू आर नॉट गोइंग टू ब्लिंक योर आईज. थैंक यू. टॉपिक नंबर 4 इज पल्स एनालिसिस. व्हाट पल्स इज ऑल अबाउट? पल्स है क्या? पल्स पे क्यों काम करना चाहिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पल्स? Why we are going to use pulse analysis? What is the authenticity of pulse? पहले हम डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर हमारे नब्ज को देख के बताते थे, कि बुखार है या क्या है. तो पल्स एनालिसिस को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कैंडल्स. बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं. अगर उनसे कैंडल्स की परिभाषा पूछी जाए, दे विल गाइड यू अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ कैंडल्स. 1700 तरह के कैंडल्स के बारे में बात करेंगे. ज्यादा पढ़ेंगे एम्प्लॉय बनेंगे, कम पढ़ेंगे एम्प्लॉयर बनेंगे, कम पढ़ेंगे व्यापारी बनेंगे. सो टू बिकम अ ग्रेट ट्रेडर यू विल हैव टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर. यू विल हैव टू थिंक लाइक अ एंटरप्रेन्योर. अगर मुकेश भाई की तरह बनना है तो उनकी तरह सोचना पड़ेगा. राकेश भाई की तरह बनना है तो उनकी तरह सोचना पड़ेगा. यू विल हैव टू थिंक लाइक. यस, वी विल डिस्कस ऑल थ्री टूल्स इन दिस सेशन ओनली. वी विल डिस्कस ऑल दिस थ्री टूल्स. डब्ल्यू आर मीन्स होलसेल एंड रिटेल प्राइस. खरीदते हैं कहाँ? होलसेल में खरीदते हैं. बेचते हैं कहाँ? रिटेल में बेचते हैं. Now, so now we are going to talk about one more important topic. Okay, are you enjoying? क्योंकि अब मैं ये क्वेश्चन बार बार पूछूंगा, हर दो मिनट में पूछूंगा. Are you enjoying? कि देखिए, और मैसेज आप पब्लिकली टाइप कीजिए. मैसेज आप प्राइवेटली मैसेज ना टाइप करें. आप सारे लोग पब्लिक मैसेज टाइप करें ताकि ये ना लगे कि मैं अपने मन से कुछ बोल रहा हूँ. पब्लिकली मैसेज टाइप करें. प्लीज टाइप मैसेज ओनली टू पब्लिक. थैंक यू. Okay, thank you. Don't know about enjoying but super excited. Kunal, हम पे भरोसा कीजिए ना. 2 घंटा समय ले रहा हूँ. मजा नहीं आया ना तो फिर बोलिएगा रवि भाई गलत जगह आप मेरा टाइम वेस्ट कर दिए. लास्ट में आप बोल के जाइएगा, पब्लिकली गाली देके जाइएगा. मैं इससे बड़ी बात क्या बोल सकता हूँ आपको. तो 2 घंटा टाइम तो दीजिए आप मुझे. ठीक है, अब शादी के का मजा बाद में आता है ना. अभी तो दुल्हन देखने का ही दौर चल रहा है, खानदान का दौर चल रहा है. मजा लास्ट में मिलेगा. तो वेट एटलीस्ट फॉर 1 आवर. ओके सर. शुभम जी, अभी बहुत सारे रिपीट करूंगा, टेंशन मत लीजिए. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन थिंग. जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं तो पीपल आर स्टक गैदरिंग मोर नॉलेज. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कमिट. फर्स्ट कमिटमेंट, stop watching right now. क्यों? I will give you evidence. मैं आप बोलते हैं रवि जी आप भी तो न्यूज चैनल पे जाते हैं, बुला लेते हैं जाते हैं. बुलाते हैं तो जाना पड़ता है ना, क्योंकि जंगल में रहना है तो शेर से बैर नहीं कर सकते. Second, stop playing in open market. आप बोलेंगे ये कौन सा बात बता दिया. Stop playing in open market. जब market 9:15 to 3:30 open हो तो आपको बाजार में क्लोज कर देना है. सो यू हैव टू वर्क इन क्लोज्ड मार्केट. यू विल टेक डिसीजन वेयर आई हैव टू गो व्हेन योर शिप इज ऑन डॉकयार्ड. आपका जहाज जब समुद्र के बीच में है तब आप डिसीजन नहीं लेते हैं. यू विल हैव टू टेक डिसीजन व्हेन योर शिप इज ऑन डॉकयार्ड. सो पल्स इज ए टेक्निक बाय व्हिच वी कैन understand the market within 3 seconds. 3 second के अंदर आप ये बताएंगे कि बाजार कहाँ जाने वाला है. तो हम EMA 2050 को पल्स और ट्रेंड के लिए इस्तेमाल करेंगे. So now, before proceeding, one more topic I am going to discuss with you, and that topic is that first of all you will have to understand candles. And in my entire journey, I am going to use candles. Then people always ask, Ravi, कितने तरह का कैंडल सिखाओगे? सिर्फ एक तरीके का. Why candles? The question is why candles? Why?
Why you are going to use candles? Because why you are going to use candles? Because the candles contain, O, H, L, C. O stands for open. H stands for high. L stands for low. And C stands for close. Open, high, low, and close. Open, high, low, and close. Means, हमने आपको बिजनेस करने के लिए दिया, हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के व्यापारी हैं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आप एक साल में रिजल्ट देना चाहते हैं, आप दो महीने में रिजल्ट देना चाहते हैं, आप मार्केट में हमसे कमिटमेंट कीजिए। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर, इफ योर दैट पॉइंट इज नॉट क्लियर, यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिजल्ट। इफ यू आर डेली ट्रेडर एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर रिजल्ट बाय राइट साइड फॉर 10 इयर्स, यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिजल्ट। So what kind of trader you are, it should be 100% clear before entering into the market. So you call your dad that I want to start business. Wonderful. You want to start business. So when you start business, so candles contain, what are candles contain? A candle contain only four things. What is that four thing? O, H, L, and C. Open, high, low, and close. Open, high, low, and close. And when I'm talking about OHLC, open, high, low, and close, means how this open, high, low, and close will be formed. How this open, high, low, and close will be formed. I'm going to sell on white screen. I'm going to sell. So there's only two types of candle. First candle is known as green candle. And second candle is known as red candle. Dunya kya batati hai? Hame nahi aata. So when I'm talking about red candle, so red candle kaise form hota? How a red candle will be formed? Means if opening is here and closing is here, that candle is known as red candle. And if opening is here and closing is here, bole Ravi, इतना बेसिक टॉपिक पढ़ाने के लिए बुलाया हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो खुद एक्साइटमेंट वाला इंसान हूँ, इतना बेसिक टॉपिक थोड़ी पढ़ाऊंगा आपको। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, इतना बेसिक टॉपिक हम पढ़ाएंगे भी नहीं आपको। मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सो इफ ओपनिंग इज हियर एंड क्लोजिंग इज हियर, लो एंड हाई विल बी सेम। इफ यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस विद 1 CR एंड यू हैव क्लोज योर बिजनेस इन रेड, मीन्स यू आर अ लूजर। एंड ओपन, close, high and low will be always same. So if closing will be above than opening, the candle will be formed into green color and the candle will be formed into red color. So this is green and red. Is it clear up to here? Green or red? आप बोलेंगे रवि साहब को डोजी बोलते हैं, कोई engulfing bullish, engulfing bearish. Why you are not going to take that example? व्यापार से आसान सब्जेक्ट दुनिया में कुछ नहीं है। इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया तो आपने, आप कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। मुझे कॉम्प्लिकेशन टॉपिक नहीं आता है। आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग, मैं अगर अपने बेटे को, अपने प्रवि को अगर 1 करोड़ रुपए का बैलेंस दूंगा, एंड ऑफ द डे आई विल आस्क ओनली वन क्वेश्चन टू प्रवि, आर यू इन रेड और आर यू इन ग्रीन? तो बोलेगा पापा एक नंबर से फेल हो गए। आई डोंट वांट टू लिसन अ स्टोरी, आई जस्ट वांट टू नो ओनली वन थिंग, are you in red or are you in green? If you are green, wonderful. If you are red, wonderful. So I just want result. Main story sunna pasand nahi karta hu. Market ko story pasand nahi hai. Market ko sirf aur sirf result pasand hai. So we, hum hamesha result oriented work karenge. Now I'm going to share pulse analysis. Acha, are you enjoying my style? A style of teaching is good or speed is okay? और बहुत फास्ट चले, बहुत फास्ट राजधानी के स्पीड से। So now I am going to talk about pulse analysis. So before moving to pulse analysis, apply EMA 20 and 50 on chart. और एक चीज की कमी है जेनिल, संजय, देखिए व्यापारी के चेहरे पे मुस्कान होती है, आप लोगों के चेहरे पे नहीं है। ढूंढ के लाइए, आई वॉन्ट टू सी। मेरे चेहरे पे कहीं भी आप वीडियो देखें, कुछ भी देखें, मेरे चेहरे पे मुस्कान होती है। तो आपका मुस्कान कहाँ है? मैं मुस्कान, उस मुस्कान की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड,
एंड कैमरा भी बहुत लोग मुंडी छुपा के बैठे हुए हैं, व्हाई? कोई प्रॉब्लम है क्या हमसे? रवि जी ने आपका खेत काटा है क्या? तो थोड़ा कैमरा ऑन कर लीजिए। देखिए ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग टू बिकम अ ग्रेट ट्रेडर वी हैव टू एक्ट लाइक अ सेंट। संत के दिमाग में कभी उतल पुतल नहीं होता है। मैं आपको संत वाली स्थिति देने जा रहा हूँ। दो दिन आपका सबसे मैजिकल वर्कशॉप होगा, विश्वास कीजिए। आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि यू आर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो अप्लाई ये 20 and 50 चार्ट। हाँ ओके, जिनका प्रॉब्लम है वो बंद कर दीजिए। अप्लाई ये 20 and 50। हाउ टू अप्लाई ये 20 and 50 चार्ट? ओके, एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग माई वर्कशॉप फर्स्ट टाइम? पहली बार कितने लोग अटेंड कर रहे हैं? मैं ये, बहुत सारे लोग रिपीटर्स भी आते हैं, रिटेकर्स भी आते हैं, बहुत सारे लोग रिपीट करते हैं हमारे वर्कशॉप को। मी फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम वाले सेकंड टाइप कीजिएगा, फर्स्ट टाइम वाले फर्स्ट टाइम टाइप कीजिएगा, क्योंकि अब कंटेंट मैं उस तरह से डिलीवर करूंगा। सो अप्लाई, हम टेम्पलेट्स पे गए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल रिवन पे हम गए और हमने अप्लाई किया। अप्लाई हमें 20 and 50 थर्ड टाइम। ओह माय गॉड, आशुतोष क्या बात! रवि कुमार सेकेंड टाइम, वंडरफुल। यूडी सेकेंड टाइम, वंडरफुल, क्या बात है! मगम्बो खुश हुआ। ओके, फ्री वाला लास्ट टाइम था। ओके, फर्स्ट टाइम। ओके नाउ, सो दिस इज अवर चार्ट। किसी भी चार्ट का ये फर्क नहीं पड़ता, यू कैन गो ऑन निफ्टी एज वेल। किसी भी टाइम फ्रेम पे जाइए, आप नहीं कही, मैं आप 15 मिनट के चार्ट पे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं। सो अप्लाई ये 20 and 51 चार्ट। दिस इज योर कैंडल स्टिक, और कैंडल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा वैल्यू ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। इस कैंडल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ओपन इज 15,799 एंड क्लोजिंग इज 15,755। तो ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग है, मीन्स कैंडल रेड कलर में, सिंपल, कोई स्टोरी की जरूरत ही नहीं है मार्केट को। तो मूव ऑन टेम्पलेट, और टेम्पलेट्स पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है रिबन। और इसका जरूरत सिर्फ पल्स और ट्रेंड तक है, प्राइस एक्शन में इसकी जरूरत नहीं है। प्राइस एक्शन में इसका काम खत्म हो जाता है, पल्स ट्रेंड के बाद होलसेल रिटेल में भी इसका काम खत्म। तो इससे सिर्फ मार्केट का कन्विक्शन लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये हमें 20-50 से हम बाजार का सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं हम बाजार में। सो अप्लाई ये 20 and 50 ऑन चार्ट। हमने ये 20 और 50 अप्लाई किया। 20 का कलर हम विजुअल अप्रोच के लिए चेंज करते हैं ब्लू कलर में। Is it clear up to here that how I did apply EMA 20 and 50 on chart? If it is clear, please type C. Please type C. C for wo wala C nahi. C matlab clear. Jo advisor jo phone karke C banate hai na, wo wala C nahi bol raha hu. Main C for clarity ki baat kar raha hu. Thank you. When will apply EMA 20 and 50 on chart? Now I'm moving on my next topic. And my next topic is pulse analysis. There are 5 rules of pulse analysis. Today I will discuss only about 2 rules. Next 3 rules will be discussed tomorrow with trend analysis. So pulse analysis ke liye hum 2 rules ki baat karte hain, rule number 1 and rule number 5. Rule number 1 and rule number 5. So when I am talking about rule number 1 and rule number 5, so if candle will close in green color, if candle will close in green after positive crossover, look for long. What is the meaning of candle will close in green after positive crossover, look for long? Ravi, iska matlab kya? Iska matlab jab mujhe samjhaiye, iska matlab mujhe samajh nahi aaya. Wonderful. What is the meaning of positive crossover? What is the meaning of negative crossover? What is the meaning of candle will close into green? What is the meaning of candle will close into red? So we are going to learn about this. What is the meaning of candle will close into green? What is the meaning? So हम इसके बारे में पूरी तरह समझेंगे, candle green का क्या मतलब है, candle red का क्या मतलब है, candle कैसे काम करता है, candle work कैसे करेगा, हम सारी चीजों पे बात करेंगे। Now थोड़ी देर रुक जाते हैं तो हम आपको password देंगे break के बाद। Give me. So if candle will close in green color after positive crossover, if candle will close in green color after positive crossover, we have to look for long. So what is the meaning of positive crossover and what is the meaning of long? So try to understand. Main thoda color change karta hu taki aap log color blindness ke upar, is color is okay, is everything visible, chart plain chart is visible. Okay, for example EMA 20 hum ek
ये विजुअलिटी के लिए ले रहे हैं, और सॉरी हम ये विजुअलिटी के लिए कलर ले रहे हैं, ये हमें 20 क्रॉस ये हमें 50, इफ ये हमें 20, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ये हमें 50, जो रेड कैंडल हमने लिया वो ये हमें 50 का है, हमारा रेड कैंडल रेड जो लाइन है वो ये हमें 50 का है। अगर ये हमें 20 ये हमें 50 को क्रॉस करके ऊपर जाता है, इफ ये हमें 20 विल क्रॉस ये हमें 50 and it will go up, if you have a 20 will cross you have a 50 and it will go up, so this crossover is known as positive crossover, so this crossover is known as positive crossover, if you have a 20 will abhi stock ki hum baat nahi kar rahe hain, stock ki baat hum baad mein karenge, change country to india, okay इंडियन स्टॉक्स एंड ट्रेडिंग यू, मैं बता देता हूँ मानसी, थोड़ा सा इंतजार करो बच्चा, थोड़ा सब्र, धीरज धर्म, धीरज जरूरी है, धर्म जरूरी है, थोड़ा सा इंतजार करो, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सेशन 9 के बजाय 11 बजे खत्म होगा, यही होना होगा ना, टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। सो इफ ये 20 विल क्रॉस ये 50, तो इस क्रॉस ओवर को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव क्रॉस ओवर, और पॉजिटिव क्रॉसओवर के बाद कोई कैंडल अगर ग्रीन कलर में क्लोज होता है तो यहां से हम लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे, लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे, मींस लॉन्ग इज नोन एज बाय, एंड इफ फॉर अगेन दिस इज ईएमए 50, अगर 20 50 को क्रॉस करके अगर नीचे आता है, 20 अगर 50 को क्रॉस करके अगर नीचे आता है, दिस क्रॉसओवर is known as, this crossover is known as negative crossover, this crossover is known as negative crossover, so is positive or negative clear hai, ha ya na, is it clear or is it not clear, thank you, to main sabse pehla example kisi stock ka na leke main nifty ka example leta hu, aur abhi to bahut maza aane wala hai, be positive not okay, so if candle will close, closing is very important, if candle will close in green after positive crossover, look for long, and long is known as buying, long is known as buying, मेरे गुरुदेव हमें हमेशा एक बात कहा करते हैं, रवि टू बिकम अ ग्रेट ट्रेडर यू हैव टू बिकम अ ग्रेट ह्यूमन, और ग्रेट ह्यूमन बनना इतना आसान नहीं है। ये निफ्टी का एग्जांपल हमने लिया, सिर्फ 15 मिनट का चार्ट है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर आप जानते हैं, मैं नहीं जानता, सो इन 15 मिनट चार्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट, व्हाट काइंड ऑफ क्रॉसओवर इट इज जेंटलमैन, व्हाट काइंड ऑफ क्रॉसओवर इट इज, ये कौन सा क्रॉसओवर है जोसेफ, व्हाट काइंड ऑफ क्रॉस, चंद्रकांत, सुरेश, महादेव, वसवराज, तुम भी, क्या बात है, ये लोग हमारे सब मास्टर क्लास वाले सब लोग यहाँ पे, मेरे पुराने पुराने बहुत सर, आप तो बहुत पुराने स्टूडेंट थे मेरे, कुकरी साहब आप भी, सिद्धार्थ आप भी, आप लोग इतने दिनों बाद इस ग्रुप में, क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। ये में 20 क्रॉस, ये में 50 एंड कैंडल क्लोज इन टू ग्रीन कलर, तो इफ ये में 20 विल क्रॉस ये में 50 एंड कैंडल विल क्लोज इन टू ग्रीन कलर, लुक फॉर लॉन्ग। अब बोलेंगे रवि सर इसको मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि क्रॉस करवा ऊपर जाएगा, पहला कन्विक्शन है, अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, ट्रेड लेना मैं कल सिखाऊंगा आपको, सेकंड कन्विक्शन इज, इसी चार्ट पे चलते हैं, व्हाट इज द डेट, डेट इज 2nd June 2021, ये हमें 20 क्रॉस किया हमें 50, क्या बात है वसुराज, क्या बात है, ये में 20 क्रॉस किया 50 एंड कैंडल क्लोज्ड इनटू ग्रीन कलर, ये में 20 क्रॉस किया 50 एंड कैंडल क्लोज्ड इनटू ग्रीन कलर, सो मार्केट विल गो अप, दैट टाइम प्राइस वाज 15546, यहां से बाजार में एक उछाल आता है एंड मार्केट वेंट अप टू 15800, 300 पॉइंट का उछाल। चलिए तीसरा चेक करते हैं, सिर्फ अभी निफ्टी पे है, अभी तीसरे स्टेप को चेक करते हैं, What kind of crossover it is? 21st May 2021. What kind of crossover it is? मैं आपको multiple testing करके दिखा रहा हूँ. What kind of crossover it is? 21st May 2021. 10:30. Simplicity बता रहा हूँ stock में.
जो कहते हैं ना कि डिफिकल्ट है, मैं बताता हूँ इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं है। पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद कैंडल ग्रीन कलर में व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बाय और वी हैव टू सेल। बाय करना, वंडरफुल। आफ्टर पॉजिटिव क्रॉसओवर कैंडल हैज बीन क्लोज्ड इनटू ग्रीन कलर, सो वी हैव टू लुक फॉर लॉन्ग। व्हाट वाज द प्राइस? 15,074। सिर्फ 15 मिनट के चार्ट का कमाल दिखा रहा हूँ, अभी तो मैं डेली वीकली पे जाऊंगा तो आप सरप्राइज रह जाएंगे। 15,674 पॉइंट का मूवमेंट एक क्रॉसओवर के बाद, सिर्फ 15 मिनट पे भी कमाल है। अब मैं आपको डेली वीकली मंथली सारा दिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्रॉसओवर की बात करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्रॉसओवर इट इज ऑन 17th मई 2021? व्हाट काइंड ऑफ टुमारो ना, स्टिल थ्री रूल्स इज लेफ्ट। एक रूल सभी पर आ गए, दूसरा पर आएंगे, तीन रूल्स बाकी है। ये 20 विल क्रॉस, 15 कैंडल विल क्लोज इन टू ग्रीन कलर। ग्रीन कलर क्या करना था? इट बेंट अप हो गया। कितना पॉइंट का? 15 मिनट के चार्ट पे कितना पॉइंट चाहिए? 15 मिनट का ट्रेड आप कर रहे हैं, ये मैं 20 क्रॉस, 50 कैंडल क्लोज इन टू ग्रीन कलर, क्या चाहिए ऊपर? एक एक लास्ट एग्जांपल लेंगे, इसके बाद एग्जांपल नहीं लेंगे, उसके बाद दूसरा भी एग्जांपल लेना है। ये मैं 20 क्रॉस, 50 कैंडल क्लोज इन टू ग्रीन कलर, क्या करना था? प्राइस वॉज 14,400। कितना चाहिए? 15,044। छोड़िए, डेली पे चलते हैं, वीकली पे चलते हैं, हम किसी और स्टॉक की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि रवि क्या यह स्टॉक सब जगह वैलिड है? गारंटेड। हम बात करते हैं किसी भी स्टॉक की बात करते हैं, हम बात करते हैं IUC की, दिस इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अब डेली वीकली मंथली जिस पे बात करना उस पर कीजिए। मैं मल्टीपल एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल में बहुत बहुत टाइम आपका खा लूंगा, बहुत टाइम, वही आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। क्योंकि मैं रूल्स में मैं कभी भी मंकी स्टाइल से नहीं चलता, जंपिंग में नहीं चलता, मैं बड़ा धीरे चलता हूँ। तो ये मैं 20 क्रॉस, ये मैं 50 एंड कैंडल क्लोज इन टू सर, दिस सर आई वॉज यूजिंग ऑन 15 मिनट चार्ट ना, दिस इज वीकली चार्ट। वट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर, 1 मिनट पे अप्लाई कीजिए ना सर, लेकिन 1 मिनट पे 15 मिनट से नीचे बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। आप 1 मिनट पे अप्लाई कीजिए, आप मेरी बात मत मानिए, 1 मिनट पे अप्लाई कीजिए, 10 मिनट पे अप्लाई कीजिए, बट दैट इज लाइक गैम्बलिंग। ये मैं 20 क्रॉस, ये मैं 50 एंड कैंडल क्लोज इन टू ग्रीन कलर, वट इज द डेट? 59.7570, 24th मार्च। मैं इंट्राडे की बात बताऊंगा, पोजिशनल की बात छोड़ दीजिए ना, वो तो 50, दैट चार्ट वाज 15 मिनट चार्ट। जो भी हम निफ्टी की बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट निफ्टी, तो निफ्टी इज ऑन 15 मिनट चार्ट। निफ्टी का जो एग्जांपल हमने दिया आपको, दैट एग्जांपल वाज ऑन 15 मिनट चार्ट। ये जो एग्जांपल हमने निफ्टी का दिया आपको, ये सारा एग्जांपल 15 मिनट के चार्ट पे था। ये कोई एग्जांपल मैंने आपको ये नहीं दिया जो कि डेली वीकली मंथली चार्ट पे हो। ऑल एग्जांपल इज सेट ऑन 15 मिनट चार्ट ओनली, दिस इज 15 मिनट चार्ट, कैन यू सी 15 मिनट चार्ट। सर स्टॉप लॉस टारगेट कल बात करेंगे पवन पेड़ी साहब। दिस इज द रिसेंट मार्केट, दिस इज द स्टडे मार्केट। 15 मिनट से छोटा चार्ट क्या यूज करेंगे आप? सर ये आपको पता है कौन सा यूज करना है? हमें नहीं पता, हमें तो सब में टारगेट दिलवाना है आपको, सब में। यू आर डेली ट्रेडर, यू आर वीकली ट्रेडर, यू आर मंथली ट्रेडर, आवरली ट्रेडर, सब में टारगेट दिलवाना है, ये मेरी गारंटी है। तो ये मैं 20 क्रॉस 50 and candle closed into green color. Price is 15,074 रुपए का price है, और जब 15,074 था तो सिर्फ क्रॉस ओवर को देखना था, अभी तो कन्विक्शन पे है। 15 मिनट के चार्ट पे मैं कितने बजे, 10:30 पे प्राइस क्या था? 15,076, और 3:30 पे प्राइस क्या था? 15,184। अभी भी पॉजिटिव क्रॉसओवर था, कितना आपको लेके चलना है? लेके चलिए ना 15,663। इज इट लिटिल बिट इंटरेस्टिंग? अभी एंट्री एग्जिट रिव्यू नहीं लेना है, अभी तो मैं आपको कन्विक्शन दिखा रहा हूँ। तीन टूल्स है, एक टूल्स पर भी आपको डिसीजन नहीं लेना है। वी वर टॉकिंग अबाउट IOC, दिस इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। हम पहले पॉजिटिव क्रॉसओवर की बात करते हैं। डेली वीकली मंथली जो अप्लाई करना है कीजिए, सब चलता है, दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। मार्केट इज 100% कंट्रोल, क्यों बात करें कंट्रोल नहीं है? ये मैं 20 क्रॉस, ये मैं 50
candle has been closed into green color and price was 59 long term ke liye hum bata rahe hain weekly chart pe sirf aapko jahan se ye plan karna hai sirf long trade hi plan karna hai only you have to plan a long trade ab hum baat karte hain yes bank ki baat karte hain yes bank ki baat karte hain sab jagah jis stock pe aapki ichcha kare आप मुझे बता दीजिएगा हम उसी स्टॉक पे आपके साथ डिबेट कर लेंगे ये मैं 20 क्रॉस थी मैं 50 लिंक कल तक मुझे बोलने दीजिएगा उसके बाद हम आपसे डिबेट करेंगे ये मैं 20 क्रॉस थी मैं 50 ऑन वीकली चार्ट एंड कैंडल क्लोज्ड इनटू ग्रीन कलर कैंडल क्लोज्ड इनटू ग्रीन कलर सो दिस इज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कल बताऊंगा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये मैं 20 क्रॉस थी मैं 50 एंड कैंडल क्लोज्ड इनटू ग्रीन कलर प्राइस इज गोइंग अप Okay, now, is the rule number one is interesting a little bit? It's yes, type yes, 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 type yes, type yes. If it is little bit interesting. Thank you very much. Thank you. देखिए क्या बात है आस्तोस? I'm super excited. अभी बता रहा हूँ ना लोग कहते हैं difficult है मैं कहता हूँ है ही नहीं Okay, आप लोगों में से जितने लोग शादी शुदा है क्वेश्चन पूछूंगा माइंड मत कीजिएगा मैं भी हूँ मैं भी उसी कैटेगरी में फॉल करता हूँ श्रीमती जी को आज तक समझ पाए क्या आंसर विल बी मुझे भी आंसर पता है आंसर इज नो देखिए नहीं क्योंकि मार्केट को समझने के लिए मार्केट के पल्स को समझना पड़ेगा तो एक पेन पॉइंट होगा अरे अरे भाग्यवान क्यों परेशान होती हो झुमका दिलवा दूंगा बस सारा पल्स आपके फेवर में अमित कामली साहब मैं पूरे महीने में 8 या 9 ट्रेड करता हूँ 20-30% इजली बनाता हूँ हमारे ग्रुप में 8 साल के बच्चे ट्रेड करते हैं बोलते हैं सर कुछ ज्यादा नहीं हो गया नहीं सर बहुत कम बता रहा हूँ वो करके दिखा देंगे आपको कल अभी तो होने दीजिए ना 3 बार कंफर्मेशन करेंगे अभी तो पहले चीज पे हम चल रहे हैं अभी तो हमने 3 रूल्स बताया ना पहले पे आप कैसे ट्रेड ले लेंगे अभी हमने 3 रूल्स बताया ना सिर्फ चावल खाएंगे क्या अभी चावल के साथ पापड़ अचार दाल चटनी सब कुछ चाहिए तो दिस 3 टूल्स वी आर गोइंग टू अप्लाई अभी सिर्फ कन्विक्शन पे हैं कन्विक्शन के बाद हम होलसेल प्राइस फिर स्ट्रेटजी तो 3 टूल्स अप्लाई करेंगे ओके नाउ रूल नंबर 5 किनाल बता दीजिएगा ब्रेक कब लेना है क्योंकि मैं तो खड़ा रहूंगा 11-12 एक जब तक कहिएगा तो आप बता दीजिएगा मुझे ब्रेक कब लेना है सो इफ कैंडल बी क्लोज इन ट्रेड आप मुझे बता दीजिएगा ठीक है इफ कैंडल बी क्लोज इन ट्रेड आफ्टर नेगेटिव क्रॉसओवर लुक फॉर स्टॉप क्या ये काम करता है क्या सालू की शादी हो पाएगी क्या मिस्टर इंडिया सालू के मिस्टर इंडिया का डायलॉग था तो क्या नेगेटिव क्रॉसओवर के बाद मार्केट नीचे जाएगा डेफिनेटली जाएगा कौन कहता है नहीं जाएगा तो हम उसी निफ्टी के चार्ट से शुरू करते हैं अब निफ्टी में इस बार आप ओनली नहीं लेंगे इस बार लेंगे डेली चार्ट दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी पॉजिटिव क्रॉसओवर ग्रीन में था मार्केट ऊपर गया और नेगेटिव क्रॉसओवर के बाद कैंडल किस कलर में क्लोज हुआ नेगेटिव क्रॉसओवर के बाद कैंडल किस डेली चार्ट है यू कैन सी दिस इज द डेली चार्ट नेगेटिव क्रॉसओवर कैंडल इज इन रेड कलर मार्केट का क्या कहना था क्या मार्केट में क्या होगा व्हाट काइंड ऑफ क्रॉसओवर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव What kind of crossover it is? Positive crossover or negative crossover? Please type. बदमाशों को जल्दी जल्दी टाइप कर दिया करो ताकि मैं सेशन को थोड़ा फास्ट लेके चल सकूं. Thank you very much. Direct message मत भेजिए. Negative crossover. Candle is in red color. Market का clear direction नीचे जाएगा. तो लॉकडाउन कब लगा 24 मार्च ये नेगेटिव क्रॉसओवर कब दिया निफ्टी 24 फरवरी सर वन हम्बल रिक्वेस्ट प्रेस दांत और गाली हमेशा हिंदी में देने का मजा है मैंने जो शब्द यूज किया बदमाशों उसको हिंदी में देने का मजा है इंग्लिश में मजा नहीं है ना उसमें तो मेरा भी तो कुछ प्रिविलेज है मैं भी तो इंजॉय करूंगा ना सेशन को 2 घंटे टिक के बैठना इतना आसान थोड़ी है जब तक आपको मैं डांटूंगा नहीं कुछ इंटरटेनमेंट नहीं रहा तब बैठना इतना आसान थोड़ी है नाउ
चैट डिसेबल्ड नहीं है, चैट इज पब्लिकली, चैट इज नॉट डिसेबल्ड. ओके, सो दिस इज निगेटिव क्रॉस. आपको मैं दिखाता हूं मल्टीपल स्टॉक्स पे, ये डेली चार्ट हो गया. आप एक स्टॉक चेक कीजिए DHFL, एक नहीं जितना स्टॉक चेक करना आप कर लीजिए. DHFL, दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, हुआ करता था, है नहीं. डेली चार्ट, सिर्फ डेली चार्ट, कोई वीकली नहीं, कोई मंथली नहीं, ओनली इंट्राडे. हम वीकली को भी इंट्राडे की तरफ प्ले करते हैं, वो आपको आगे बताएंगे. नेगेटिव क्रॉसओवर, कैंडल वाज इन रेड कलर ऑन द डेट ऑफ 19th September 2018 एंड प्राइस वाज 618. क्या करना था? दिस रिकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड ऑन माई YouTube चैनल, आप वहां से इसे देख सकते हैं. नेगेटिव क्रॉसओवर, कैंडल विल बी क्लोज्ड इनटू रेड कलर, candle closed into red color, so after red it was a clear sign I'm not going up, I'm going down. Let's have a look. Rome was not built in a day, but Hiroshima and Nagasaki were destroyed in a single day. Negative crossover, candle is in red color, 600 rupees ka price, right now 16 rupees. Aapko aur dikhate hain example. Let's have a look on Yes Bank, our favorite stock. Na abhi bhi khareedte hain na, isme khareedna band kar denge, tension kyun le rahe hain. Main apne sare bachchon se kehta hu, bacche agar main aapko acha trader nahi bana paya na to aapke andar dost nahi hai, dost mere andar hai. Ravi R. Kumar jhoot bolte hain ki I have produced more than 20,000 successful trader in this entire world. Galat hai, jhoot bolte hain. Ye main 20 cross kiya, main 50 and candle was in negative crossover ke baad Yes Bank ka candle red color mein tha 17th September 2018. Kya karna tha yahan se? Kya karna tha yahan se? 17th September 2018 after negative crossover candle closed into red color, kya tha? Short karna tha. Abhi bhi peep ho, abhi bhi pagle isme buy kar rahe hain. Ye buying kaun kar raha hai? Sara dikhayenge aapko. A to Z strategy samjhayenge. Negative crossover candle closed into red color. कितना नीचे जाओगे भाई? राजा, आप मेरे पहले सेशन को अटेंड किए हैं इसलिए आप ये शब्द यूज कर रहे हैं ना. अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का. दिस इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन. इन दिस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वी हैड टू गिवन यू वन एग्जांपल. इसी चार्ट पे हम सारा एग्जांपल सेट करेंगे. EMA 20 crossed EMA 50 and candle closed into green color. After that, price from 59 rupees, it went up. But as soon as it given a negative crossover and candle closed into red color, price is going down. Now, again. 3 weeks ago, it given a positive crossover and candle closed into green color. Is it little bit interesting? अभी तो पूरा समय बाकी है. मैं little की बात नहीं कर रहा हूँ. मुझे पता है शाम का टाइम है. little की बातें की जानी चाहिए. But I am talking about little bit, not little. Is it little bit interesting? Thank you very much. Now I'm going to give you one example. हमारे पुराने लोग जानते हैं उस example का नाम. And I'm going on Google. This is Google. And on Google, बहुत सारे examples हैं मेरे पास. DHFL का, S Bank का, बहुत सारे examples हैं. मैं आपको सारा बताऊंगा. So EMA 20 crossed EMA 50 in negative crossover candle closed trade. So I'm going to give one example of this guy. V.G. Siddhartha, he was the owner of Coffee Day Enterprises and he committed suicide on 29th July 2019. He committed. Pandi, wait kar lo bachcha. Kal tak ke liye hum bata denge. Now, so this is, let's have a look on daily chart. Daily chart pe baat karte hain. Daily, dekhi yahan pe positive cross hua hai daily candle mein.
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पॉजिटिव दिया था डेली चार्ट पे, प्राइस ऊपर चला गया। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन चार्ट ऑफ जिस चार्ट पे अप्लाई करना अप्लाई कीजिए, कॉफी डे इंटरप्राइजेस लिमिटेड, राइट नाउ प्राइस इज 40 रुपीज। लेट मी हैव अ लुक ऑन द चार्ट, सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। ये हमें 20 क्रॉस थी, हमें 50 एंड इट गिवन अ नेगेटिव क्रॉस ओवर। दिस द डे 29th July, प्राइस वाज 193, लेकिन मार्केट में पहले क्या साइन था, ऑन द डेट ऑफ 15th अप्रैल 2019 ये हमें 20 क्रॉस थी, हमें 50 एंड कैंडल वाज इन रेड कलर। So what we had to do? We had to go for. आप तो बोलेंगे मैं तो आपकी बात नहीं मानूंगा। मत मानो मेरी बात। हम कहां कह रहे हैं कि मेरी बात मानी जाए, हम कहां कह रहे हैं, हिरोशिमा नागासाकी वाला कांड एक दिन में हो जाएगा अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने प्रूफ किया है दुनिया में कि रवि रंजन कुमार इज अ सक्सेसफुल ट्रेडर। मैं दलाल नहीं हूँ कि दलाली वाली बात आपसे करूंगा, एडवाइजर नहीं हूँ, मैं ट्रेडर हूँ। मुझे पता है कि बाजार जो मैं लाइव मार्केट आज नहीं है, लाइव मार्केट का मैं आपको कमाल दिखा देता। वो आगे आते हैं, अभी आगे आते हैं ना, सारे क्वेश्चन पे आते हैं। सो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर सिटिंग बिटवीन फ्रॉम लास्ट वन एंड हाफ वन आवर एंड 15 मिनट्स, सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स। 10 मिनट्स इज ओके, 10 मिनट ब्रेक इज ओके। कृणाल कितने देर का ब्रेक? कृणाल 10 minutes sir, 10 minutes. Okay, thank you. So I'm going to give a break of 10 minutes. Or the audience is saying 5 minutes. Let's listen to them. Achha, 5 minutes. ठीक है? सारे audience हमारे 5 minutes कह रहे हैं. ठीक है. और कुछ? No break, 5 minutes, okay? तो कुछ लोगों को break चाहिए. तो मैं break को का time करता हूँ 7 minutes. सबकी बात मानता हूँ. क्योंकि break का time है 7 minutes करता हूँ. Your time starts now. बदमाशों टाइम पे लौट जाना इधर उधर, क्योंकि मैं टाइम का बड़ा पंक्चुअल हूँ। ठीक है, मैं सो टाइम स्टार्ट्स नाउ, लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग फॉर कपल ऑफ मिनट्स। सो welcome back again, making money into stock market is as easy as making a cup of coffee, but your trades should be process oriented, not profit oriented. aur jab bhi hum process oriented trading ki baat karte hain to hamesha masti mein jeena chahiye. so how was the part 1 break ke pehle ka part kaisa tha? please type. how was the part 1? amazing, wonderful, of course. Thank you very much. Good, very good, exciting, fantastic, good. इसे पता है हमारे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बटरिंग, जिसको बोलते हैं मक्खन लगाना। तो ना मक्खन आप बाद में लगाइएगा, थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम भी सेशन की शुरुआत करें। शशिकांत Wait. Still 3 rules is left. Don't be in hurry that I have to learn everything right now, right away. Don't be in hurry. पहले एक एक rules को समझिए. So still 3 rules is left. We will talk about these 3 rules tomorrow. Now, long means buying. Short means selling. और क्रिनाल पासवर्ड अगर दे दीजिए तो अच्छा रहेगा क्रिनाल. ओके यस सर. नाउ ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई, व्हाट इज द 5P प्रोसेस टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, द 5P प्रोसेस टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर एंड द 5 mistakes व्हाई ट्रेडर, एक ट्रेडर का 5 mistake क्या होता है एंड व्हाट आर द 5P प्रोसेस टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर. सो नाउ I'm going to talk about what 5P then 5 mistakes. So first P is planning. You will have to plan your trade, then trade your plan.
and whatever trade you have planned, you will have to perform on that planned trade. Then you will have to see the progress report. Progress report, patience, and then you will get profit. Then you will get profit. So you will have to go to plan your trade, perform, progress, patience, and then profit. Now, I'm going to talk about why you should trade into stock market, why you should trade into stock trading. So before going to next topic, I'm going to share one thing with you. And that is why we should trade. Kal main ek topic bataunga aapko investment ka, kal main ek topic bataunga aapko trading ka. Trust me, tomorrow it is going to completely blow up your mind. मैं जो भी आपके साथ शेयर करूंगा दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 14 इयर्स जो 14 इयर्स का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं 14 इयर्स में हाउ आई बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सो आर यू एक्साइटेड और आर यू सुपर एक्साइटेड इफ यू आर सुपर एक्साइटेड प्लीज टाइप सुपर इफ यू आर एक्साइटेड टाइप एक्साइटेड आर यू एक्साइटेड और आर यू सुपर एक्साइटेड जो लोग शुरुआत में कर रहे हैं आई विल फेस प्रॉब्लम ड्यूरिंग योर लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी प्रॉब्लम नहीं होगा भावना क्या है अटैच होता है और यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ड्यू टू लैंग्वेज यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ड्यू टू लैंग्वेज सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक और जब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं सो बिफोर प्रोसीडिंग अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट दिस इज द QR कोड अगर आप नहीं स्कैन कर पाते नो वरीज My team will scan this QR code and they will deliver e-books with you. So don't worry about that I couldn't scan it. Don't worry about. अगर आप कर पाते हैं wonderful. अगर आप नहीं कर पाते हैं तो छोड़ दीजिए. My team will do it for you. My team will do it for you. So they will. Okay. It is being exported, so it will take couple of seconds. Then you will get a QR code and if you scan this QR code, आप अपने मोबाइल को खोले मोबाइल से QR कोड को स्कैन करें जो भी मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ सब कुछ आपको मिलेगा ATR एंड UOC पेंडिंग सर कल भी तो सेशन है सर एक ही दिन में सब कुछ कैसे सीखेंगे थोड़ा सा इंतजार कीजिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ ना सब कुछ होगा नाउ So this is what I'm going to talk about. हमें बताया गया है सबसे पहला प्रॉब्लम है प्रोडक्ट द प्रोडक्ट इन विच प्रोडक्ट वी शुड बाय एंड विच प्रोडक्ट वी शुड सेल अब प्रोडक्ट के पहले मैं एक रूल्स बताता हूँ कि यू कांट बिकम सक्सेसफुल अनटिल अनलेस यू डोंट हैव 100% कॉन्फिडेंस अपॉन योर सेल्फ यू डोंट हैव 100% कॉन्फिडेंस अपॉन योर प्रोडक्ट अपॉन योर रूल्स और यू डोंट हैव 100% कॉन्फिडेंस अपॉन योर मेंटर दुनिया में जिस भी मेंटर को फॉलो कर रहे हैं अपने आप पे आपको 100% भरोसा होना चाहिए दैट आई कैन बिकम अ ग्रेट ट्रेडर फर्स्ट रूल यू विल हैव टू 100% भरोसा अपने ऊपर करना पड़ेगा सेकेंड जिस भी प्रोडक्ट में आप ट्रेड कर रहे हैं इफ यू आर रनिंग अ शॉप यू विल हैव टू बिकम 100% कॉन्फिडेंट दैट इफ आई एम रनिंग अ शॉप आई विल बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर आप जो भी धंधा कर रहे हैं आपको 100% से भरोसा करना पड़ेगा कि व्हाट एवर बिजनेस आई एम डूइंग हमें उस पर 100% भरोसा होना चाहिए अगर 100% भरोसा नहीं तो आप धंधा नहीं कर सकते यू सिर्फ और सिर्फ बाजार में आप पकड़ा लेंगे आप धंधा नहीं कर सकते तो सिर्फ 100% कॉन्फिडेंस अपॉन योर सेल्फ अपॉन योर प्रोडक्ट एंड अपॉन योर मेंटर नाउ सो सेल्फ पे है या नहीं है ये मैं बाद में बात करूंगा अपॉन प्रोडक्ट इन विच स्टॉक वी शुड ट्रेड किस प्रोडक्ट में हमें धंधा करना चाहिए एंड व्हाई वी शुड ट्रेड सो स्टॉक मार्केट इज जस्ट वे टू मल्टीप्लाई योर कैपिटल आइदर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और आइदर इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग आइदर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आइदर इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट इज द इजिएस्ट प्लेस वेयर यू कैन मल्टीप्लाई योर कैपिटल सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट इज द इजिएस्ट प्लेस वेयर यू कैन मल्टीप्लाई योर कैपिटल सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कैसे कैपिटल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैसे ये दुनिया का सबसे आसान तरीका है पैसा मल्टीप्लाई करने का तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मेरे पास एग्जांपल्स तो है एग्जांपल्स का पहला एग्जांपल से फॉर एग्जांपल इन 1979 इंडियन स्टॉक मार्केट गॉट चैनलाइज 1979 सो इन 1979 इफ आई हैड 100 रुपीज सो दिस इज द जर्नी फ्रॉम 1979 टू 1979 टू
2019, 40 years. I will not talk about 2021, 2020. So 1979, if we have money, so normal banker salah denge, either invest in FT, either go for mutual fund, or either go for stocks. So koi bhi aapko stock market mein enter karne ki salah nahi dega. So FD mein 8 saal mein 100 rupaye ka hoga 200 rupaye. 8 years mein, 16 years mein 400, 16 years mein 400, 24 years mein 800, 32 years mein 1600, aur 40 years mein 3200. Means this capital become 32 times, 32 guna ka hua. म्यूचुअल फंड्स में ये कैपिटल जो हुआ 15,600 रुपीस का और स्टॉक ट्रेडिंग में 100 रुपीस का प्रोडक्ट इट बिकम 42,000 विदाउट एनी डिविडेंड विदाउट एनी कंपाउंड इंटरेस्ट. मींस जहां पे एफडी में आपको 32 गुना का प्रॉफिट हुआ यहां पे आपको 420 गुना का प्रॉफिट हुआ. लेकिन हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं स्टॉक मार्केट सब बेटर है. आवरली ट्रेड इज बेटर, डेली ट्रेड इज बेटर, स्विंग ट्रेडिंग इज बेटर, इन्वेस्टमेंट इज मच बेटर, सब कुछ काम करता है. ये आपको आपके खोपड़ी के ऊपर डिपेंड करेगा. कल मैं ब्लूप्रिंट बना के दूंगा कैसे काम करेगा. यू विल बी सरप्राइज कितना आसान ब्लूप्रिंट बना के दिया हमें. सो दिस इज द जर्नी. सो व्हाई वी शुड नॉट ट्रेड. और अगर इसमें 400 इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट इट बिकम 2,68,98,500 2.66 सीआर का कैपिटल बनता है विद कंपाउंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. ये हमारा स्टॉक मार्केट है. हम अगर किसी भी बैंकर्स के पास जाते हैं तो बैंकर विल लेट यू नो कि सर एक काम कीजिए, आप इक्विटी मार्केट में पैसा मत डालिए, आप क्या कीजिए, आप पैसा डालिए म्यूचुअल फंड में. व्हाट म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट, ग्रुप ऑफ इक्विटी. तो ना मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, दैट द नेक्स्ट टॉपिक हाउ टू क्रिएट वॉच लिस्ट. मैं जो नॉर्मल अपने क्लास में पढ़ाता हूँ उससे थोड़ा डिफरेंट पढ़ाता हूँ. Why we should trade? का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ. Why we should trade? So first of all, I'm going to explain something to you, and that is very important. That question is world equity market cap. Google पे डालना है world equity market cap. And when we'll talk about world equity market cap, this is a $90 trillion market. Only equity market का जो volume है, that is a $90 trillion USD market, $90 trillion market. World equity market cap value is 90 trillion. और हमारी इंडियन इकोनॉमी की वैल्यू कितनी है? 2.43 trillion only. तो 90 trillion वाले सही बोलते हैं, हम सही बोलते हैं. And if we'll go in the terms of image, in the terms of distribution, so US is playing in this 90 trillion. अमेरिका अकेले 55% 55% play करता है. Japan is very small country, 8%. India is playing 1% of entire market. क्योंकि हम बच्चे पैदा करने में, we are the second largest population in this universe, Trading पे हाँ हमें भरोसा नहीं है. हमें लगता है trading is all about gambling, trading एक जुआ है और ये जुआ मत खेलो, हमें ऐसा लगता है. तो दुनिया के जब सब टॉप लोग इसमें हैं, तो कुछ ना कुछ तो साइंस इसके पीछे होगा. आप सब लोग पब्लिक में से टाइप कीजिए ना, लोगों को भी दिखेगा. तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर होगा. तो मैं आपको आपसे बात करता हूँ मार्केट के बारे में बात करता हूँ. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, मैं हमेशा एक शब्द यूज कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट इज बैरोमीटर ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी. हाउ इट इज बैरोमीटर रवि, हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव दिस दैट स्टॉक मार्केट इज बैरोमीटर ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी. डू यू वांट टू नो, जानना चाहते हैं? वेबिनार में. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. सब लोग नहीं जानना चाहते. सो दिस इज निफ्टी. मैं निफ्टी के बारे में बताता हूँ आज. सबसे पहले निफ्टी से शुरू करता हूँ. देखिए सुमित ने बोला नो, क्या बात है सुमित. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट वन वेबसाइट, दैट वेबसाइट इज niftyindices.com. niftyindices.com ये वेबसाइट आप देखिए, niftyindices.com, niftyindices.com. This is the website niftyindices.com. Write down this website. And now I'm going to talk about indices, and I'm going to talk about Nifty 50. And when I'm going to talk about Nifty 50, so the Nifty 50 is a well diversified 50 stock index
and it represents important sector of the economy. ये 50 कंपनी हमारे कंट्री के कंट्री का बैरोमीटर है और हमारी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है. कैसे? निफ्टी 50 हैज अ बेस कैपिटल ऑफ 2.06 ट्रिलियन आउट ऑफ 2.43 ट्रिलियन. 2.06 ट्रिलियन सिर्फ इन 50 कंपनियों के पास है. डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं चाहे आप माने या ना माने. सो द मार्केट हैज बीन डिवाइडेड आइदर इनटू अ सर्विस और आइदर इनटू अ प्रोडक्ट. अगर आप कंज्यूमर की बात करते हैं तो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं. फाइनेंशियल की बात करते हैं हम सर्विस यूज करते हैं. आईटी की बात करते हैं तो हम सर्विस यूज करते हैं. सो आइदर यू आर यूजिंग अ प्रोडक्ट और आइदर यू आर यूजिंग अ सर्विस. सो विच वन इज द लार्जेस्ट पेट्रोलियम कंपनी इन इंडिया? विच वन इज द लार्जेस्ट पेट्रोलियम कंपनी इन इंडिया? प्लीज टाइप इन टू चैट बॉक्स. इंडिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम कंपनी कौन सा है? कौन सा है? प्लीज टाइप आरआईएल, ओएनजीसी, आईओसी, ओएनजीसी, आईओसी, आरआईएल और टाइप कीजिए. रिलायंस, बीपीसीएल, आईओसी, ओएनजीसी, 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 ओएनजीसी. वंडरफुल. गो अहेड. आरआईएल. गो अहेड. ओएनजीसी. वंडरफुल. तो हमारे इकोनॉमी का जो पैसा है 10.36% सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के पास है. और ओएनजीसी का जो मार्केट कैप है ओनली 0.62% है पेट्रोलियम में. हम कहते हैं ना कि निफ्टी को फॉलो करना चाहिए. एसपीसीएल तो है ही नहीं निफ्टी का हिस्सा. बीपीसीएल का मार्केट कैप है 0.65% और आईओसी का मार्केट कैप है 0.41% और रिलायंस का मार्केट कैप है पेट्रोलियम में 10.36%. इज इट शॉकिंग? इंडिया की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? सबसे बड़ी बैंक, द लार्जेस्ट बैंक ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी कौन सी है? किस कौन सा बैंक आप सबसे ज्यादा देखते हैं? टाइप इनटू चैट बॉक्स. SBI, SDFC. Wonderful. Go ahead. ICICI, SBI, SDFC. Okay. RBI, SBI. Okay. Now I'm going to show you. सबसे ज्यादा डिजिटल SBI, SDFC का है. सो लार्जेस्ट बैंक ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी इज SDFC बैंक एंड SBI इज द थर्ड लार्जेस्ट. नीचे सबसे ऊपर कौन सा है? कॉमर्शियल बैंक में SBI हमारा सबसे छोटा बैंक है निफ्टी का. हम इससे बड़ा एक्सिस है, इससे बड़ा कोटक है, उससे बड़ा ICICI. तो कॉमर्शियल बैंक में SBI हमारा सबसे छोटा बैंक है, सबसे छोटा बैंक. डेफिनेटली SBI के पास नंबर ऑफ अकाउंट्स ज्यादा है. मार्केट कैप सिर्फ 2.42% का है और अकेले SBI बैंक के पास जो मार्केट कैप है दैट इज 17% का मार्केट कैप है. हमें लगता है कि SBI का 4 रुपया ऊपर गया तो बाजार ऊपर जाएगा. ये मेरा डेटा नहीं है, गवर्नमेंट का डेटा है. सो दिस इज द बैरोमीटर ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी. सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सी? डेफिनेटली इंफोसिस, HCL, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा. सो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम बात करते हैं डोंट गो फॉर सेक्टर स्पेसिफिक, डोंट गो फॉर मार्केट स्पेसिफिक, गो विथ अ स्टॉक स्पेसिफिक. अब हम आपको एक छोटा सा टेक्निक बताते हैं. दैट टेक्निक इज नोन एज स्क्रीनर. हाउ टू क्रिएट वॉच लिस्ट? वॉच लिस्ट कैसे बनाया जाए? सो टू क्रिएट वॉच लिस्ट यू कैन डाउनलोड भाव कॉपी. भाव भगवान छे. मराठी में कहावत है कि भाव, गुजराती मराठी में बोला जाता है कि भाव ही भगवान है. तो जब भाव भगवान है, भाव भगवान कैसे हो सकता है? कैसे आप भाव कॉपी डाउनलोड करेंगे? तो दिस इज द प्रोसीजर. You have to download Bhavcopy from nscindia.com. I am going to teach you how to download Bhavcopy from nscindia.com. Parag, मैं सारे टॉपिक को लेके चलूंगा ना, थोड़ा सा समझिए मेरी बातों को. हम 2 दिन का समय लिए. So now, if you will download Bhavcopy from nscindia.com, then you don't have to trade if a stock price is below 100. अगर आपके स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज से नीचे है तो आपको किसी भी सूरत में ट्रेड नहीं करना है. अगर आपका स्टॉक का प्राइस 4000 से ऊपर है तो किसी भी सूरत में शुरुआती दौर में फर्स्ट 3 इयर्स आपको ट्रेड नहीं करना है. अगर कोई स्टॉक 3 साल से छोटा है तो उसमें ट्रेड नहीं करना है. नेवर गो विथ IPO और FPO. नेवर गो विथ IPO FPO. नाउ ऑलवेज फॉलो प्रोफेशनल्स. प्रोफेशनल्स को कैसे फॉलो करेंगे? अगर किसी स्टॉक में
25% से कम ये FII और TII है, क्योंकि मार्केट को मूव कौन करते हैं, प्रोफेशनल्स करते हैं, या FII करते हैं और DII करते हैं। अगर किसी स्टॉक में 25% से कम प्रोफेशनल्स हैं, हम उस स्टॉक में किसी भी सूरत में ट्रेड नहीं करेंगे। अगर किसी स्टॉक में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और यूरोप पैसिफिक दोनों में से एक भी नहीं है, हम किसी भी सूरत में उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करेंगे। जो दो टॉप जो टूल्स है, उस टूल्स को मैं कल बताऊंगा, अनफिल्ड ऑर्डर और ATR, कल उसका, क्योंकि पहले प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट पे तो इम्प्लीमेंट हम करेंगे, प्रोडक्ट पे ही इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नाउ सर, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है ना, हम समझ गए, आप समझ गए, टाइपिंग एरर हो सकता है, कभी कभी टीम बनाती है ना। तो लोग कहते हैं हार्ड कॉपी कहां से डाउनलोड करना, सो आई एम गोइंग टू गिव यू वन शॉर्टकट दैट हाउ टू डाउनलोड हार्ड कॉपी। This is nsindia.com. nsindia.com की वेबसाइट पे जाना, everything is free of cost. मैं जो भी बातें बता रहा हूँ, this is not paid. और डॉक्टर आपका इलाज करने से पहले आपकी रिपोर्ट को देखते हैं, तो हम मार्केट में ट्रेड करने से पहले मार्केट की रिपोर्ट को चेक करेंगे, और हम जाएंगे डेरिवेटिव्स पे, और यहाँ पे हम जाएंगे हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, एंड नाउ वी हैव टू गो ऑन डेली वोलेटिलिटी फाइल्स। This is the occasional step you have to do once in a week. So Friday market has been closed on 11th. So we can download this file. So this is the product list in which we are going to trade. This is the product list. So you will get an Excel sheet, and when you will get Excel sheet. So in this Excel sheet, we don't need A. We need only B, C, and G. Nothing else. हमें सिर्फ B, C और G चाहिए, और कुछ हमें नहीं चाहिए। What B stands for? B stands for name of the stock. C stands for underlying close price. And B stands for symbol. उसका नाम क्या है? Aarti Industries. So the total number of a stock is here. Total number of stock is 164. But we don't have to play in 164 stock. We don't have to play for stock prices below 100. So move on data and try J2A. So do you think that IDIA is a quality stock? If IDIA is a quality stock, why IDIA is not a part of Nifty? Do you think GMR is a quality stock? Do you think PNB is a quality stock? Do you think IDFC Bank is a quality stock? Not at all. And we will remove all the stock if the price is below 100. So now again one filter we have to apply over here. We have to remove the stock if price is above 4000. We don't have to trade, because there you will face a problem and liquidity and both gapage and slippage. So now, right now we have total 132 stocks in hand. One in this stock, there is not a list of Yes, Bank. In this stock, we don't have PNB, we don't have Unitech, we don't have DHFL, all quality stock is here. So this is the list of a stock you have to make once in a week. Now I'm going to show some this impact. So first of all, if I'm talking about any stock, and please have a screenshot of this one, because now we are going to focus on this all topic. Trust me, you are going to enjoy a lot. So first of all, if we are going to talk about any stock like SDFC, SDFC is the India's largest financial organization, सबसे बड़ी financial organization SDFC. So SDFC का पल्स में पॉजिटिव है, ट्रेंड भी अप है, मार्केट भी ऊपर है, और फाइनेंशियल मार्केट में प्राइस भी ऊपर जा रहा है, मार्केट कैप सबसे बड़ा है। So in SDFC, who is playing into SDFC? So this is our stock. Move on. SDFC. And this is SDFC. So in SDFC, price is above 100. Papu. And investor panel, when you will move, FII is 72.78%. DII is 16.12%. इन दोनों को मिला के
25% से ज्यादा होना चाहिए हर हाल में। अगर ये 25% से कम, मार्केट को कौन मूव करता है? हम अपने 10,000 रुपए कैपिटल से करते हैं? नो, डेफिनेटली नॉट। सो हु इज द मेजर एफआईआई ऑफ इनटू दिस स्टॉक? गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एंड यूरो पैसिफिक। वेट, फॉरगॉट अबाउट एचडीएफसी। सी द बेनिफिट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेडर, द लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ अवर इंडियन इकोनॉमी। फॉरगॉट अबाउट एचडीएफसी, talk about HDFC Bank. This is HDFC Bank. And when we are talking about HDFC Bank, pulse is positive, trend is up. And when pulse is positive, trend is up, let's have a look who is playing into HDFC Bank. HDFC Bank Limited की जब हम बात करते हैं, तो HDFC Bank price is above 100 rupees. Pass, first step clear. And let's have a look on investor panel. So promoter is 26% and FII is 40%, DI is 21%. Means total professional is here near about 62%. And who is professional over here? Euro Pacific and government of Singapore. Just wait a couple of minutes. Let's talk about Punjab National Bank, PNB. In this stock, either check on monthly chart, either check on weekly chart, either check on daily chart, negative crossover pulse is negative, trend is down. And if negative crossover pulse is negative, trend is down, let's have a look who is playing into Punjab National Bank. So first of all, Punjab National Bank fail kar gaya, pappu fail kar gaya, 100 se niche, hum trade nahi karenge. Pagle ko trade karne dijiye, hum trade nahi karenge. So investor panel pe jate hain, aur yahan isme kaun hai? Professionals नहीं है, promoters हैं। No FII, no DII. If you will talk about FII, no government of Singapore and no Euro Pacific. And DII, promoters is 77%. President of India is holding all the stocks of this company because इनको लगता है कि PMC की तरह ये भी डूब जाएगी। Camera on कर लीजिए। Now, next I'm going to talk about, forget about this stock, forget everything. Yes, BIN, State Bank of India. State Bank of India is the best public sector bank, as we know. So State Bank of India already price is 429. So who is playing into a State Bank of India? In a State Bank of India, price is of 100%, part of Nifty, 100%, promoters is FII is more than 25%. And who is FII over here? Euro Pacific Government of Singapore. Is it interesting? Little bit. आप कहते हैं कि पैसा का नुकसान होता है, मैं कहता हूं दिस इज हार्डन टू लूज इवन अ सिंगल रुपीज इन टू स्टॉक मार्केट। ये चैलेंज मैं कर रहा हूं बाजार से, क्योंकि मुझे पता है मैं 14 सालों से बाजार में हूं। नाउ फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी। Directly, indirectly, you are trading. मैं प्रूफ कर दूंगा, कल प्रूफ करूंगा, आज प्रूफ नहीं करूंगा। Forget about this. Go with Reliance Industries Limited. This is the chart of Reliance Industries Limited. जब मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में मार्च अप्रैल में, उस वक्त रिलायंस इंडस्ट्री ने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया, कैंडल ग्रीन कलर में क्लोज हुआ 3 मार्च 2014, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ऊपर जा रहा है, ऊपर 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 ना। सो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ऑलरेडी ऊपर जा रहा है। सो हु इज प्लेइंग इनटू रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड? लेट्स हैव अ लुक। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सर आप इस स्टॉक पे वन डे पे ट्राई करेंगे? हम कल सारा टूल्स बता रहे हैं ना, होलसेल रिटेल कल निकालना बता देंगे, रिटर्न भी ले रहे हैं आप। देखिए अगर मैं 100 बता रहा हूँ, एक भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे, यू आर अ विनर। Promoters in Reliance Industries Limited, professional is more than 25%. And who is professional? Euro Pacific Government of Singapore. Is it little bit interesting? Chandrakant sir, Prithvi Raj, Srinivas sir, Shankar Suman, Binay, Prasant, Kunal. Is it little bit interesting? पहले दुल्हन तो सेलेक्ट कर लीजिए, बारात ले जाने के बाद बात मत कीजिएगा। So I am trying to convince you in which stock this will trade. Now I'm going to talk about Rail Infra, Reliance Infrastructure.
This is the real infra. So real infra had given a negative crossover on the date of 3rd January 2011. And after negative crossover, price came down. 2700 rupees ka stock. Right now playing at 83 rupees. So who is playing into Rail Infrastructure Limited? So this is Rail Infra, Reliance Infrastructure Limited. Price is below 100. Fail. And move on investor panel. Promoter used to be 50%, now 4%. FII used to be 27%, now 2%. And FIIDI is below 25%. So this is not a quality of stocks. And who is playing into this stock? P4 Pagla, P4 Public. यहाँ ना तो ये ना तो आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर मिलेगी ना तो आपको यूरोप ऐसे कुछ मिलेगा. P4 Pagla, P4 Public. मैं ब्लंट आदमी हूँ, ब्लंट बातें करता हूँ. आर पावर क्या बात कर रहे हो? अगर आर पावर नीचे तो वही होगा कहानी, बताने की क्या बात है? आर पावर अगर नीचे तो वही होगा, बताने की जरूरत नहीं है, नीचे है ना तो वही होगा कहानी. दिस इज आर पावर, आर पावर, रिलायंस पावर. प्राइस नीचे है वही होगा. इन्वेस्टर पैनल, प्रमोटर यूज टू बी 75%. इनको खुद भरोसा नहीं अपनी कंपनी पे, बेच के निकल लिए. FII is 2%, DI is 4% and P4 Pagla, P4 Public. मैं साइंस की बात करता हूं. इसके जगह पे आप इंफोसिस का स्टॉक ट्राई करें. इंफोसिस, दिस इज इंफोसिस. मंथली, वीकली, डेली जैसे ट्राई करना है कर. सोना सोना ही रहेगा. EM20 पॉजिटिव क्रॉसओवर, प्राइस इज गोइंग अप एंड लेट्स हैव अ लुक ऑन इंफोसिस. इन्फी, Infosys Limited, price is above 100, pass. Investor panel, promoter is 12%. FIIDI is more than 55%, 56%. And who is FII? Government of Singapore. ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा. Let's have a look on ICICI Bank Limited. मैं सारे सेक्टर का ले रहा हूँ. ICICI Bank Limited. So who is playing into ICICI Bank Limited? ICICI Bank Limited. Price is above 100. Appu pass ho gaya. Investor panel. FII is 48% and DI is 42%. And who is FII? Government of Singapore and Europe. So for today, I'm over for today. And now I'm going to talk about what exactly we are going to learn tomorrow. So, बहुत short में बताता हूँ. कल मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा, सिर्फ एक formula. उस formula का नाम होगा. क्या होगा उस formula का नाम? उस formula का नाम होगा उन्हें. Let me share my screen with you. So, किनको किनको अच्छा लगा, किनको किनको मजा आया? सारा कुछ एक दिन में हम नहीं दे सकते हैं. अगर आप जल्दबाजी में हैं तो मैं सब कुछ. कुछ लोग अडानी पावर की बात कर रहे हैं, मैं दिखाता हूं सर. अडानी पावर, रुचि सोया दिखा देते हैं. 10 मिनट से 10 मिनट ले लूं आप लोग का, 10 मिनट, क्योंकि आप लोग टाइम के पंक्चुअल हैं, हम तो थोड़ा सा. सो दिस इज द चार्ट ऑफ अडानी पावर. तो अडानी पावर को घुमा कौन रहा है? अगर अच्छा होता तो निफ्टी का हिस्सा होता ना. अडानी पावर इतना ऊपर, क्या बात है, 44 से एक दो महीने में सीधा ऊपर 148. कुछ तो गड़बड़ है, मैं बोलूं मैनिपुलेटेड है. आप बोलेंगे रवि भाई पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, क्या करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो दिस इज अडानी पावर, 100% मैनिपुलेटेड है. गारंटी के साथ कह सकता हूँ ऐसा मूवमेंट हो ही नहीं सकता है, मैनिपुलेटेड है. और मैनिपुलेटेड दो ही आदमी करते हैं, या तो पब्लिक या तो प्रमोटर्स. पब्लिक के पास ताकत नहीं है, प्रमोटर्स के पास ताकत होता है मैनिपुलेट करने का. प्रमोटर इज 75%, वेरी गुड. FIIDI कहां गए? अगर अच्छा स्टॉक होता तो निफ्टी का हिस्सा क्यों नहीं है?
ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ। सेशन को मैं 15 मिनट और दे सकता हूँ, प्लीज गिव योर कंसेंट, देन आई विल मूव फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट और लूंगा, 6 मिनट मैं अपना बाकी क्वेश्चन आंसर। थैंक यू वेरी मच। सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच वन स्टॉक। अगर कोई स्टॉक 3 साल से कम पुराना है तो उस स्टॉक को हम 100% मैनिपुलेटेड स्टॉक बोलते हैं। कैसे? रवि भाई थोड़ा प्रैक्टिकल दिखा दो, मैं दिखाता हूँ। चलिए एक और प्रैक्टिकल दिखाते हैं हम आपको। एक स्टॉक का नाम है, दैट स्टॉक नेम इज यूनिटेक। दिस इज यूनिटेक लिमिटेड, सबको पता है जी, इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक हुआ करता था। स्थिति में जाएंगे, पास्ट टेंस। ये हमें 20-50 को क्रॉस किया प्राइस नीचे, अभी भी लोग बाय कर रहे हैं। तो इसमें बाय कौन कर रहा है? लेट्स हैव अ लुक ऑन यूनिटेक। यूनिटेक, इन दिस यूनिटेक, इफ यू विल मूव ऑन इन्वेस्टर टैब, सो प्रमोटर इज 5%, DIFI सब भाग गए, एंड P4 पगला, P4 पब्लिक। इज इट लिटिल बिट इंटरेस्टिंग? मुझे पता है कि आप नहीं सुधरेंगे, आप कैमरा ऑन ऑन ही नहीं करेंगे। अरे बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है, डेली वेबिनार अटेंड करते हैं। रवि यार कुमार आपको नहीं मिलेंगे ना हर दिन। मैं हमेशा बात करता हूँ साइंस की, साइंस के अलावा ना तो मेरे जीवन में कुछ है, ना मैं किसी की बात सुनता हूँ। सो एक स्टॉक का हम और एग्जाम्पल देते हैं। उस स्टॉक का नाम है रुचि सोया। आप स्टॉक बताएंगे, आपका लूंगा रुचि सोया। तो रुचि सोया में स्टॉक लिस्टेड हुआ जनवरी 2020 में। तो इसका हम डेली चार्ट निकालते हैं। डेली चार्ट में हम उसको साफ बोल रहे हैं कि मैनिपुलेटेड है। आप बोलते हैं रवि साहब पब्लिकली प्लेटफॉर्म है ऐसे नहीं बोला जाता, तो कैसे बोला जाता है, आप मुझे बोलना सिखाइए ना। मैं तो पब्लिकली ऐसे ही बोलता हूँ सर, क्या करें। 100% मैनिपुलेटेड है, 100% मैनिपुलेटेड स्टॉक्स है। क्यों? डेली चार्ट पे खुलने के बाद चार्ट ही नहीं बन रहा है। तो इस स्टॉक को बिना चार्ट बनाए ऊपर कौन ले गया? तो हम कहते हैं ये तो बाबा जी का देन है। तो बाबा जी बोलते हैं कि रवि पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोलते हो, बाबा जी का देन है, प्रूफ कर सकते हो क्या? हमने कहा आप बोलिए तो मैं एक मिनट प्रूफ करता हूँ। स्टॉक नेम इज रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सो मूव ऑन इन्वेस्टर पैनल। और 99% तो बाबा जी खुद होल्ड करके रखे हैं, ना तो DII को मौका दिए, ना FII को मौका दिए, पब्लिक भी यहाँ पे नहीं है। सो डू आई डिजर्व थैंक्स? इफ यस, टाइप T into कमेंट बॉक्स अगर मैं डिजर्व करता हूँ तो। सो नाउ टुमारो आई विल टीच यू। For tomorrow, I'm going to talk what I'm going to teach. Tomorrow, I'm going to talk about one thing, and that is that formula, pulse ka tino rules hum batayenge. On Sunday, we are going to learn couple of things. What is pulse ko hum complete karenge? We will talk about pulse. We will talk about pulse ko complete karenge. Hum market mein baat karenge, trend ki baat karenge, aur hum aapko ATR और UOC अप्लाई करके दिखाएंगे, when to enter and where to enter, जिस फॉर्मूले को हम बोलते हैं SETSF। This thing we are going to talk about tomorrow, a stop loss entry target and sizing. So now session is over. So we can have only few questions, क्योंकि questions के लिए हमारा कल का दिन है। So Bhavan Vaidya, kindly unmute yourself, Bhavan Vaidya. Yes sir. Yes Bhavan. So you had raised your hand. So your question please. Yes sir, I'm asking my question. Yeah please. Tomorrow I will start sharp at do join at 6:50. Aap ek minute late. Is green candle height decides amount of profit? Agar green candle ka height zyada hoga to profit zyada hoga, aise koi baat hai kya? अभी तो हम उस पे गए ही नहीं ना। ओह अच्छा सॉरी। आप अगर एक स्टेप आगे पूछेंगे तो फिर अभी तो हम प्राइस एक्शन पे गए, अभी तो कन्विक्शन पे है। आज मैंने आपको कन्विक्शन दिया, टाइमिंग विल बी सेम, लिंक विल बी सेम, होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का होल्डिंग।
आप अपना अपना क्वेश्चन टाइप कर लीजिए, क्योंकि इतना इतना बता नहीं पाएंगे, पब्लिकली टाइप कर दीजिए ताकि मैं सबका आंसर देता चला जाऊं। तो टाइप योर क्वेश्चन पब्लिकली, टाइप योर क्वेश्चन पब्लिकली, क्योंकि मैं क्वेश्चन कर लूंगा। भाव कॉपी का क्या करना है, भाव कॉपी में जो स्टॉक है उसी स्टॉक में ट्रेड करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं थैंक यू वेरी मच, अनबीटेबल सेशन, थैंक यू वेरी मच, उसमें ट्रेड नहीं करना है, इसमें डीआईआई है। लोगों ने बताया आज तक आपको कि सिंगापुर निफ्टी को क्यों फॉलो करना चाहिए, सब टाइम पास करते हैं। मैं टाइम पास नहीं करता हूँ, इतना ब्लंट इंसान आप नहीं देखते होंगे मार्केट में, जितना ब्लंट में बातें करता हूँ। तो मैं ब्लंट इंसान हूँ, ब्लंट बातें करता हूँ, सीधी बात करता हूँ, ना इधर की बात ना उधर की बात, सीधा टू द पॉइंट। गाइस पासवर्ड कल मिलेगा, वो हाफ पासवर्ड है, पहले हम लोग सब कुछ सीख लेंगे फिर पासवर्ड काम आएगा। बोनसेस तब काम आएंगे जब आपको सब आता होगा, ठीक है? ओके, पीपल आर टेलिंग दैट हाउ वी कैन गेट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस। आप एक काम कर लीजिए, मैं आपको इसका रास्ता बताता हूँ। दिस इज अ चैनल, आप मुझे सारे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। दिस इज अ चैनल यूट्यूब, यूट्यूब पे मेरा एक छोटा सा चैनल है। और कल के सेशन में आने से पहले आप दो काम कीजिएगा, मेरे चैनल पर वीडियोज आप देखना है, मैं देखना बात अलग है। सो हियर यू मे गो ऑन दिस चैनल raviarkumar.com, यहाँ पे दो वीडियो है, ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट। इस ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट के सेशन में को आपको देखना है, दिस वीडियो यू हैव टू लुक फॉर। और ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, कल मैं लाइव हुआ था, तो इसे आप देखना को देखना है, ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट एंड ट्रेड प्लानिंग। सो दिस वीडियो यू हैव टू लुक फॉर टुमारो। कल के सेशन में आने से पहले ये वीडियो 100% आपका क्लियर होना चाहिए। वीडियो स्टीव आप लोग देखिए, मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। इट शुड बी 100% क्लियर कल के सेशन में आने से पहले। कृणाल, इट्स योर जॉब दैट यू विल शेयर दिस वीडियो ऑन इनटू द ग्रुप, ओके? कल के सेशन में आने से पहले आप हमारे इस एक वीडियो को जरूर देखेंगे कि हम कल के सेशन में आने से पहले इस एक वीडियो को आप 100% देखेंगे, ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट। आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। सर कल के लिए 3 रूल्स रहने दीजिए ना अनिरुद्ध। ओके, और आप मुझे सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे नो द पॉइंट्स के नाम से फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, हर जगह मैं रवि आर कुमार और नो द पॉइंट्स के नाम से अवेलेबल हूँ, ठीक है? सो दिस वेबिनार रिकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड बाय टुमारो मॉर्निंग and keep eyes on YouTube channel, you will get it over there. आप subscribe करेंगे direct आपके mailing list में जाएगा। This will be unlisted video, this will not a public videos, ये unlisted video होगा। So thank you very much. Anand, I didn't use more Hindi language, but okay. Vijay Kapadia साहब, Ravi, I enjoyed. So Yogesh Patel sir, sorry, you can ask your question again. Yogesh Patel sir, you can ask your question again. Sir, मेरा बिल्कुल intention नहीं कि मैं आपके question का answer ना दूँ। भाव कॉपी should be take the stocks if FII DI more than 25 and promoters having more percentage. Yes, we can go ahead. And Yogesh Patel sir, आपने how to check IPF to when the FII enters? हम IPO ट्रेड नहीं करते हैं, बिल्कुल मना करते हैं। बच्चा जन्म नहीं लिया उसमें क्या ट्रेड करना, 3 साल से पुराने स्टॉक में मना करते हैं। विल यू प्रोवाइड अ स्कैनर, अ स्कैनर इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज अवेलेबल ऑन जस्ट टाइप scanner.in। गवर्नमेंट होना चाहिए या नहीं, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर नहीं है तो हम इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड ही नहीं करेंगे। वाव कॉपी टू बी डाउनलोडेड फॉर डेली वीकली आवरली एंड पोजिशनल एज वेल। Does a scanner work? 1000%. You said if promoters have more percentage then the stock is manipulated. 1000% guaranteed. अगर 25% से नीचे वहाँ पे professionals हैं और promoters ज़्यादा हैं, that is 100% manipulated. Watchlist how to create for intraday? The same watchlist will be valid for your 7 days. You have to create on Friday. And any question type? क्वेश्चन टाइप करते रहिए, मैं आंसर देता रहूंगा, क्वेश्चन टाइप करते रहिए। फॉर टुमारो यू हैव टू होमवर्क, पहले उस वीडियो को वॉच कीजिए और दूसरा होमवर्क है आप वॉच लिस्ट, इस ये वीडियो सुबह तक आपको चैनल पे मिल जाएगा, इस वीडियो को आप देखिए, बाकी बातें हम कल करेंगे। तो थैंक यू,
अमन ये कहानी कल के रहने दीजिए ना कि मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की। मेरा एक छोटा सा वीडियो है, आप उसे देख लीजिएगा। मैं उसमें बहुत कुछ नहीं है, मेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, मैं पूरा डॉक्यूमेंट्री शेयर कर दूंगा। क्योंकि जब बीबीसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मेरे डॉक्यूमेंट्री को चलाती है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऑथेंटिसिटी है। तो कल हम लोग सब कुछ फ्री है, सारा टूल्स फ्री है। There is no any software tools I have used in this journey which is paid. कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं, मैं कोई ब्रोकर को प्रमोट नहीं करता हूं। मैं कल बताऊंगा ब्रोकर कैसा होना चाहिए। कल के सेट्स में हम सारी बातें करेंगे। कल का सेशन थोड़ा सा लंबा होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेमिनार विल बी प्रोवाइडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। उस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और उस इन जितने लोग लिस्टेड हैं उनके पर्सनल मेल बॉक्स पे एक मैसेज जाएगा और दैट विल बी अनलिस्टेड वीडियो, लेकिन उस चैनल के माध्यम से आएगा। अनलिस्टेड होगा, कोई पब्लिक वीडियोज नहीं होगा, अनलिस्टेड होगा। So thank you very much.